الله خير. रब शरह ली सदरी वस्सर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं डॉक्टर समन फातिमा हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे मेरी हैदराबाद में प्रैक्टिस है। यूजुअली मैं उर्दू में बयान नहीं देती, आई डू नॉट स्पीक इन उर्दू, क्योंकि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स हुए, या फिर आई अगर मैं बीच बीच में इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करी। तो बेसिकली आज सिस्टर आलिया ने मेरे को ये टॉपिक पे बयान देने को बोला था, साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ रमजान। बेसिकली साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ रमजान में ब्रॉडली दो चीजों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिकल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग मतलब आपको रोजा रहने की वजह से क्या आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। सेकेंड थिंग इज मेंटल हीलिंग। मेंटल हीलिंग मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी, जो इंसान आजकल के सिनेरियो में जैसा ये पैंडेमिक चल रहा है, ग्लोबल पैंडेमिक जो कोविड है, इसमें लोगों के मेंटल स्टेटस में बहुत ही डाउनफॉल रहा है। मैं यूजुअली मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स लेडीज रहते हैं क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट वन ईयर में आई हैव ऑब्जर्व के लोगों में, औरतों में स्पेशली, बहुत ही डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज और होपलेसनेस बहुत बढ़ गया है। आप यकीन नहीं करते, 10 में से एक 8 औरतें यही बोल रहे हैं जो मेरे पास आती हैं, बोलते हैं कि मैडम मैं जिंदगी से बेजार हूं, आई डोंट वॉन्ट टू लिव। एक लेडी थे, शी वॉज टेलिंग के बहुत जवान लेडी थे, 28-30 ईयर्स। वो बोल रही थी कि डॉक्टर साहब मेरे ख्वाब में कब्रिस्तान आता है, मेरा छोटा बेटा है जो 6-8 साल का है, जो खबर पे लेटा हुआ है और मेरे को बुला रहा है। लोग बहुत तंग आ चुके हैं, कभी शौहर की वजह से, कभी बीवी की वजह से शौहर तंग आ चुका है, या फिर अपने ससुराल की परेशानियां, या फिर अपने घर वालों की। और ये जो कोविड है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, फाइनेंशियली जो लोगों के घरों में जो परेशानियां हैं, घर में कई लोगों के घर में पैसा नहीं है, रोजमर्रा का जिसका इनकम 300 रुपए से 400 रुपए रहता था, दुनिया में 64 मिलियन लोग थे, लेकिन अब उससे डबल ट्रिपल हो गए हैं, 164 मिलियन लोग हैं जो मतलब जिनकी डेली इनकम 300-400 से कम है। लोगों के पास खाना नहीं है, कई लोग लॉकडाउन की वजह से या फिर ये वीजा के प्रॉब्लम की वजह से डिफरेंट कंट्रीज में अटके हुए हैं, कोई जॉब्स नहीं है, खाना नहीं है। यहाँ इंडिया में उनकी फैमिली सफर हो रही है, वो वहां पर सफर हो रहे हैं। जो इंडिया में है उनको जॉब्स नहीं है, जो जिनके जॉब्स हैं उनको सैलरीज कम है, मतलब लोग बहुत परेशान हैं। और उसके बावजूद भी घरों में जो परेशानियां हैं, जो अपने लोग, भाई बहन, जो मतलब जो कोसते, जो घर के लड़ाई झगड़े हैं, मतलब जो बीवी की वजह से या शौहर की वजह से या ससुराल वालों की वजह से जो है, ये डे बाई डे इंक्रीज हो रहे, कम नहीं हो रहे। आजमाइश है, लेकिन इंसान अपने कैरेक्टर में बेटर नहीं हो रहा और वर्स्ट हो रहा है। फिजिकल अब्यूज बढ़ गया है, इसका रीजन क्या है? एंड वर्स्ट थिंग इज कि जो मेरे पेशेंट्स है उसमें कई लोग, अगर मैं सोचती हूँ कि इन लोग को इस्लाम का इल्म नहीं है इसलिए ऐसा बिहेवियर है उन लोग का, अगर कोई लड़की आती है या लेडी आती है, वो बोलती है कि मेरे को जिंदगी से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं सोचती हूँ कि इन लोग को दुनिया का मतलब या अल्लाह ताला में तवक्कुल नहीं है, या फिर उनके जो जो लोग उनसे ज्यादती करते हैं उनको तवक्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं, जो ऐसे कंप्लेन करते हैं, उनके शौहर या बीवी, उनके शौहर हाफिजुल कुरान है, हारी है, उनके साथ जो ननन ज्यादती करती है वो आलिम कुरान है। वेयर आर वी गोइंग, कहाँ हेड कर रहे हैं हम? दीन की मतलब कुरान की इतनी बेहतरीन तालीम रहने के बावजूद हम अपने अखलाक में कहाँ है? वेयर डू वी स्टैंड? ये बहुत ही बदतरीन वक्त है। बात कोविड की नहीं है, अपने आमाल और अपने तवक्कुल की बात कर रही हूँ, अपने हुस्न सुलूक की बात कर रही हूँ। बहुत ही बदतरीन वक्त है, हमारे पास हर चीज है। पहले जमाना था जब जिसके पास दीन नहीं आता था, दुनिया के इल्म नहीं रहता था,
कुरान नहीं पढ़ने आता था, भी कुछ समझ में नहीं आता था। अगर मुल साहब कुछ पढ़ाते तो समझ में आता, अब तो हर चीज है। लेकिन हमको मालूम भी है किसी के साथ बदतरीन सलूक करना गलत है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। कुरान पढ़ते रहते हैं, सामने वाले उनको टोचे देते हैं, सामने कुरान रोजा रहते हैं लेकिन सामने वाले को कुछ बुरा भला बोलते, मालूम है उनको नहीं बोलना है। अपना थियोरेटिकली बराबर है जो भी पढ़ना करना, लेकिन अपने आमाल में और अपने जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वी आर निल, बहुत पीछे हैं हम। मे बी यही रीजन है कि जो हम लोग को परेशानियां आ रही है, जो वर्ल्ड पैंडेमिक है, मे बी यही रीजन है। सो दैट इज वाई आई टोल्ड सिस्टर आलिया के मैं आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन स्पिरिचुअल हीलिंग। लेकिन बिफोर स्पिरिचुअल हीलिंग, उसके बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में बोलने से पहले, एक दो तीन स्लाइड में फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ रमजान बोलूंगी। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक कोई और कोई डॉक्टर है जो वो भी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। आई जस्ट ब्रीफली बोलूंगी, तो जनरली रोजा रहने की वजह से कई फायदे हैं। और मैं एज अ डॉक्टर मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि हम लोग को शुगर है, बीपी है, या फिर हम कोई प्रॉब्लम है, हम लोग को साइकेट्रिक इलनेस है, हम कोई दवाएं खाते हैं, हम रोजा नहीं रह सकते, नहीं आप रह सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरली गायनी के दवाएं रहते हैं जो 3 टाइम लेने रहती है या फिर रबक के साथ रहते हैं। अगर आपको सुबह दोपहर शाम उसकी दवाई लेना है तो आप उसको इफ्तार तहज्जुद और सहर कर सकते, इसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका रोजा बराबर रह सकते हैं, आपकी दवाएं रात के टाइम ले सकते हैं। तो बेसिकली जब हम रोजा रहते हैं तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, बॉडी हील होती है और ये हीलिंग के डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट स्टेज है जो रोजे के पहले 2-3 दिन रहता, जहां पे बॉडी गोज इन क्लेंजिंग प्रोसेस। क्लेंजिंग मतलब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आपके बॉडी में जो भी हार्मफुल केमिकल्स, जो जहरीले केमिकल्स है, वो निकलते हैं, मतलब बॉडी प्रिपेयर्स टू रिमूव इट। ये फर्स्ट स्टेज में जनरली थोड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइंटिफिकली व्हाट आई एम टेलिंग इज, आपको सर में दर्द हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन, प्यास लग सकती, या फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह सकता। ये स्टेज वन है, बस 2-3 दिन ऐसा रहेगा, उसके बाद योर बॉडी अडैप्ट्स, देन यू गो इनटू अ स्टेज सेकंड व्हिच इज फ्रॉम 3 to 7 days। यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको रेस्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम को आप सहर से लेके इफ्तार तक रेस्ट देंगे तो वो अपने आप को रिपेयर करता है, जो भी डैमेज सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं। एंड ऑल द अदर ऑर्गेन्स, मेजर ऑर्गेन्स लाइक लिवर है, स्प्लीन है, किडनी से, ये सब अपने आप को रिपेयर करते हैं। सो ये एक रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें अपनी बॉडी जो भी उसमें, जैसा आप गाड़ी है, आप कार चला रहे साल भर, अगर उसको आप सर्विसिंग को नहीं देंगे तो वो जाम हो जाती, सही नहीं चलती, उसका माइलेज पिकअप सही नहीं रहता। तो इसी तरह रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें आप आपके बॉडी को चांस देते हैं कि वो अपने आप को रिकवर करे, रेस्ट करे। सो सेम थिंग हैपेंस विद द बॉडी। देन स्टेज 3 रहता है जहां पे आपके बॉडी ऑलमोस्ट रिपेयर हो चुकी रहती है, आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं, आपको रोजा बहुत हल्का महसूस होता एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता। एंड द फाइनल स्टेज इज स्टेज 4, जो आपके पीरियड्स के आखिरी दिन में रहता है, मतलब आपके रमजान के जो रोजों में आखिरी दिनों में रहता है। यहाँ पे आपको एनर्जी लेवल्स हायर रहते हैं, योर मेमोरी हैज विल इंक्रीज, एंड आपके बॉडी परफॉर्मेंस एंड योर मेंटल कॉन्सेंट्रेशन एवरीथिंग विल इम्प्रूव। सो ये स्टेज 4 है। इनिशियली कई साल पहले, मे बी 4-5 years बैक भी साइंटिस्ट बोलते थे कि फास्टिंग नहीं करना है, ये एक्सट्रीम ऑफ फूड बिहेवियर है, इट बॉडी गोज इन टू कीटोसिस, सो इसके साइड इफेक्ट्स है बोलते थे। लेकिन अभी आफ्टर द साइंस एंड रिसर्च, अभी वो लोग न्यू वर्ड्स, they have a new type of diet they have started which is called intermittent fasting. Intermittent fasting bas apna ramzan aur rozon ka matlab other version hai. So abhi they have told that this intermittent fasting has many benefits, matlab ye kuch just enlist kare hue hain, lekin iske alawa bhi bahut se benefits hain, matlab cancer prevention, Alzheimer's disease prevention, sugar, BP, motapa and inflammatory bowel disease, arthritis, autoimmune conditions, fatty liver infections, depression, premature death. So ye kuch benefits hai jo ramzan ki wajah se rehte hain, lekin uske alawa bhi kai benefits hain jo actually science bhi abhi tak wo nahi kar saka. So ye raha aapka physical benefits. Abhi I'll be talking on spiritual healing. So ek ramzan ek aisa mahina hai jahan pe aap, you can
आपकी जहनी हालत या फिर योर मेंटल मेकअप इज नॉट गुड, अगर आप परेशान हैं या फिर आप डिप्रेस्ड हैं या फिर आप जिंदगी से बेजार हैं, तो ये एक वक्त रहता है जब आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, आप यू कैन लुक इनटू थिंग्स, आप अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं. तो आई विल नॉट बी टेलिंग कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नमाज पढ़ना है, कैसे आपके ईमान को मतलब इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन आपको किस तरह स्पिरिचुअल हीलिंग मिलती है. आई विल नॉट टेल दैट. आपको माशाल्लाह बहुत से आलिमा है ग्रुप में और बहुत ही एक्सपीरियंस इस्लामिक स्पीकर्स है जो आपको मे बी रोज बयान दे रहे और रोज समझा रहे कि कैसा अपना ईमान बेहतर कर सके और अपने मतलब जो भी अपने अमल है बेहतर कैसा कर सके, और अपने कुरान और तजवीद तफसीर ये सब पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह. और आई थिंक डेली बयान चल रहा तो सब सुन रहे हैं माशाल्लाह. आई हैव सीन दैट. तो जनरली आप कभी ऑब्जर्व करें कि आप कभी पढ़ रहे कोई भी बुक है, एग्जाम बच्चे जब पढ़ रहे हैं, क्लास चल रही, टीचर कुछ पढ़ा रहे, सुनने आ रहा, यू थिंक आपको लग रहा है कि आप सुन रहे हैं लेकिन नींद लग जाती, सुनने आ रहा जो भी बोल रहे, ऐसा है कि आप क्लास में हैं लेकिन फिर भी एक नींद का झोंका है. कभी कभी हम कुरान पढ़ते तो बैठे बैठे नींद लग जाती, तो हम लोग के साथ भी वही हो रहा. हम सब बयान सुन रहे, कुरान सीख रहे, कुरान पढ़ रहे, तजवीद पढ़ रहे, तफसीर पढ़ रहे, लेकिन ये जो अपनी लर्निंग है हम अमल कहाँ तक कर रहे? वेयर डू वी स्टैंड? हम ऐसा क्या सो मतलब नींद के झोंके में है? तो मेरा सेशन ऐसे ही रहेगा कि जो आपको क्वेश्चन करेगा कि वेयर डू वी स्टैंड, मतलब आई एम ट्राइंग टू वेक यू अप, मतलब आपको नींद के झोंके से मैं आपको उठाने की कोशिश करूंगी कि आप अपने आप को आपके मतलब रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ आप बेहतर बना सके. सो बेसिकली इसमें मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उसका आंसर दें. सो द माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा पहला क्वेश्चन है कि वाई डू वी रीड कुरान विद तजवीद एंड तफसीर, इसकी क्या अहमियत है? मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ बयानों में मतलब आपके अकेडमी से कि बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़े और उसको तजवीद और तफसीर से पढ़े, ये मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, मगर इसका क्या लॉजिक है? कोई बोल सकते क्या? यू कैन स्विच ऑन द माइक्स एंड टॉक. कोई है? किसी को सुनाई दे रहा? जी, हेलो, हेलो, जी मैम, कोई भी जवाब दे सुन, सकते हैं, मतलब आई जस्ट वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन. देखिए कोई भी डिस्कशन वन वे रहेगा तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम रहेगा, इट शुड बी अ डिस्कशन. आई जस्ट वॉन्ट टू नो आप लोगों का मतलब क्या रीजन होगा कि तजवीद और तफसीर को इतनी अहमियत दी गई. आई थिंक एवरीबडी नोज इट. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. जी. तो अच्छे से समझने के लिए कुरान में आखिर क्या मेंशन है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, अल्लाह ताला मतलब तजवीद और तफसीर को इतनी अहमियत इसलिए दी कि एक फुल स्टॉप या प्रिपोजिशन, एक कॉमा से भी एक लाइन का मतलब गलत हो सकता है, सही या गलत. जी, मतलब आपको तफसीर या तजवीद के क्लास में बोले होगा कि एक वर्ड के साउंड चेंज होने से भी उसका मतलब गलत होता है. जी हाँ, उसका मतलब खारिज मखारिज अगर गलत हो तो मुआयने बदल जाते हैं. एग्जैक्टली. तो अल्लाह ताला क्यों नहीं चाहते कि उसका मैसेज बदले? अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपको, कुरान एक बुक ऑफ गाइडेंस है, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैसेज परफेक्टली डिलीवर हो, परफेक्टली डिलीवर हो, उसका मतलब सही रहे और उसका इंटेंशन सही रहे और उसके मतलब, इंप्लीमेंट सही रहे, हाँ एग्जैक्टली, सो दैट, बिना समझे पढ़ना भी हाँ एग्जैक्टली, आपको मतलब समझ बोथ के सच, पढ़ना. हाँ तजवीद की भी अहमियत है, तफसीर की भी अहमियत है, तो सही पढ़ना और सही समझना दोनों में इतनी अहमियत दी जा रही है.
तो जी जी रीसेल जी 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 हाँ तफसीर इसके भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टाइम पे एक आयत पर्टिकुलरली नाजिल हुई समझिए कि, लेकिन वो टाइम पे जो कॉन्टेक्स्ट में वो आयत नाजिल की गई थी, बस उतना ही समझ के उसका दूसरा मतलब भी निकाल ले रहे लोग आजकल. या एग्जैक्टली जैसा मतलब जिहाद मतलब वर्ड को पकड़ के लोग बोलते हैं कि टेररिस्ट है. सो एग्जैक्टली लाइक, तो बेसिकली द मेन थिंग इज के जब कुरान एज अ बुक ऑफ गाइडेंस, तो आपको मैसेज सही डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पे इतना उसकी उतनी अहमियत है. जब अल्लाह ताला आपको मैसेज डिलीवर करने में मतलब उसको इतना स्ट्रेस कर रहे, तो देन हाउ इम्पोर्टेंट इज टू फॉलो इट. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है थियोरी एग्जाम, एक दूसरा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम. अपना थियोरी एग्जाम है कुरान को पढ़ना, समझना और उसको मतलब अपने अपने रोजमर्रा जिंदगी के जिंदगी में इस्तेमाल. ऐसा व्हाट इज द सिचुएशन, आपको ये प्रॉब्लम है उसका क्या है, अगर कोई आपसे कोई बुरा सुलूक करे तो उसको बर्दाश्त करना, बर्दाश्त उसने सुलूक करना मतलब आपको सब्र रखना, ये आपको कुरान बोलता. आपको इतनी समझ दिमाग में आना, ये आपका थियोरी एग्जाम है. प्रैक्टिकल एग्जाम रहता आपको उस पे अमल करना, अमल करना. एग्जैक्टली वी थिंक कि हम आप मतलब के विल बी मोर टॉलरेंट टू पीपल, मतलब लोगों से बहुत सबर से पेश आएंगे, अगर कोई हमसे ज्यादा करेंगे तो विल आई मीन कीप क्वाइट. लेकिन प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो जी हाँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. हाँ तो one second, एक मिनट. तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज के उस पे अमल करना. आप ये नहीं सो बोल सकते कि मैं कुरान पढ़ूंगी, मैं तफसीर पढ़ूंगी, तजवीद पढ़ूंगी, मैं बस इस्लामिक स्टडीज करूंगी, मगर मैं लोगों से अपने रिलेशनशिप्स कट ऑफ कर दूंगी, मैं आई विल नॉट मूव अराउंड विद पीपल, क्योंकि लोगों के साथ रहने से मेरे को मतलब लोग ऐसे सिचुएशंस डाल रहे हैं कि जिसमें मेरा मतलब आई एम नॉट एबल टू बी अ बेटर पर्सन. जी You cannot tell like that because आपका काम है, ये एग्जाम है, you have to face the practical aspects. आप अपना दरवाजा बंद करके मैं सिर्फ नेक रहूंगी, मैं गलतियां नहीं करूंगी बोल के नहीं बैठ सकते. सबके दरमियान में रह के जो है सो नेक रहना बड़ी बात है ना. अकेले तो जाहिर सी बात है हर कोई अच्छा ही रहता, परफेक्ट ही रहता. जी एग्जैक्टली. तो we have to come out and face the reality. अगर आपको आपके अपनों से ज्यादती है तो यू हैव टू फेस इट, दैट इज द एग्जाम व्हाट यू हैव. हम लोग को तो जंगे उहद को जाने के बोल के लिए तो किसी ने नहीं कहा, यू हैव टू फेस इट. मे बी अल्लाह ताला हैज पुट यू इन दैट सिचुएशन सो दैट यू हैंडल. अल्लाह ताला देखना चाह रहे हैं कि आप जो कुरान पढ़ रहे, जो आप उससे आप मतलब जो कंक्लूजन ले रहे प्रैक्टिकल एग्जाम में, वेयर डू यू स्टैंड. सो यू हैव टू फेस इट, यू कैन नॉट एस्केप इट. सो दिस इज वॉट प्रैक्टिकलिटी. और अब मतलब अभी पैंडमिक है, कई अपनों का इंतकाल हो रहा है, कई लोग मर रहे हैं, या फिर कोविड के बाद इवन जो मतलब हेल्दी यंग एडल्ट है या फिर जो भी बुजुर्ग है उन लोग की अब सेम जो भी मतलब जो कैपेसिटी है मतलब फिजिकल वेलबींग है सेम नहीं रही, बट यू हैव टू फेस इट, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट. अगर किसी का अपनों का इंतकाल हुआ है तो वी हैव टू फेस इट. बेशक सब अल्लाह ताला की वजह से आते हैं और जाते हैं, वी कैन नॉट क्राई ऑन दैट, वी हैव टू फेस इट, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अपने लोगों से किसी से तकलीफ पहुंच रही है, तो आज को आपके भाई बहन से तकलीफ पहुंचेंगी, कल को आपके माँ बाप से पहुंचेंगी, कल को आपके शौहर से तकलीफ रहेंगी, या फिर आपके ससुराल वालों से, या फिर ये सब नहीं है तो कहीं आपको आपके काम वालों से रहेंगी, या फिर कल आपके बच्चों से तकलीफ रहेंगी. ये आपके सिचुएशंस विल नेवर चेंज. यू आर इन वर्ल्ड विद एन एग्जाम. आपके हालात कभी बेहतर नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो जन्नत रहेंगे, ये दुनिया है. वॉट वी कैन चेंज इज आर आउटलुक. हम लोग प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदल सकते हैं. वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन बिकॉज वी आर हियर फॉर दिस एग्जाम. हम लोग को ये एक एग्जाम है. सो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वर्ल्डली लाइफ एंड हाउ टू अचीव इट. पहले तो लोग पैसे से शुरू करते थे, लेकिन अभी कोविड की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है बोल रहे हैं. तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सेहत,
पैसा या फिर लग्जरी गाड़ी बंगला सोना मकान या फिर एक नेक बीवी या नेक शौहर या फिर बच्चे या फिर फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टेटस ये सब में व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन वर्ल्डली लाइफ. मैं आप आखिरत की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप अपने नमाज में आपके तहज्जुद में इसमें से कौन सी चीज के लिए दुआ करते हैं? ये क्या आप इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हाउ टू अचीव इट? सेहत नेक औलाद नेक बीवी शौहर. हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम लोग जनरली अपने तहज्जुद में ये सब दुआएं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो इम्पोर्टेंट है ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुकून. सुकून दिल का सुकून. एग्जैक्टली आपको अगर अल्लाह ताला सेहत भी दे दिया, आप अगर बंद कमरे में बैठे हुए हैं पैंडेमिक में, आपको तो कोरोना छी भी नहीं सकता, लेकिन आपको सुकून नहीं है तो क्या करेंगे? ये सुकून एक ऐसी चीज है जो एक झोपड़ी वाले को भी मिल सकती है या फिर एक महल वाले को भी मिल सकती है एंड वाइस वर्सा. इवन झोपड़ी में भी सुकून नहीं रह सकता कभी किसी को, या फिर महल में मिल सकता. तो ये एक सुकून एक ऐसी चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो लग्जरी ऑफ एनी लाइफ कैन गिव यू. आपके पास अगर BMW रहेंगी रोल्स रॉयस रहेंगी, आप बैठेंगे फिर भी आपको आराम नहीं रहेगा, फिर भी दिल में बेचैनी रहेंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक एक्चुअली ये जो पिक्चर है ये सूर्य नहल का एक ट्रायड बोल के जो बनाया है ये एक ऑथर है जिया शाह बोल के, उन्होंने एक बुक है बेस्ड ऑन पीस ऑफ माइंड बोल के उस पर एक बुक लिखे है उन्होंने सूर्य नहल पे. तो उसमें वेरी नाइसली ही इज डिस्क्राइब्ड, इवन तफसीर में आपको समझ में आ जाएगा कि वॉट ही सेज इज एक इंसान को जिंदगी में सुकून मिलने के लिए जो रोजमर्रा के जो परेशानियां हैं जो तकलीफात हैं उससे आपको सुकून मिलने के लिए डिटैचमेंट मिलने के लिए आप यू फर्स्ट नीड टू हैव अ रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला. पहले आप अपनी मतलब आपको तवक्कुल होना चाहिए, आप जो भी है अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं. कुरान पढ़िए हदीस पढ़िए, आप अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अपना मोरल कैरेक्टर पहले बिल्ड करिए. यू बिकम ए गुड पर्सन. आप अपने आमाल बेहतर बनाइए, आपका कैरेक्टर बेहतर बनाइए, फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए दूसरों को मतलब ह्यूमैनिटी दूसरे अपने साथ वालों को दूसरे लोगों के साथ अच्छा सलूक करिए. ओनली देन आपको सुकून मिल सकता. अगर आप लोगों के साथ अच्छे हैं आपका कैरेक्टर अच्छा है लेकिन आपकी नीयत सामने वाले को खुश करने की है तो फिर भी सुकून नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आई टेल औरतें बिकॉज द ग्रुप इज मोस्टली ऑफ वुमेन, आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ वाइफ. आप रोजा हैं, आप घर में कोई राशन नहीं है, आप बाजार जाती हैं रोजे में राशन लाते हैं सेब जो भी है या फिर गोश्त लाते हैं जो भी लाते हैं, फिर यू कम बैक होम धूप में रोजे में वापस आते हैं घर में खाना बनाते हैं इफ्तारी बनाते हैं बहुत मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद इफ्तार में आप पूरा टेबल सजा के इतना अच्छा खाना बनाते हैं, बनाने के बाद आपके हस्बैंड शाम में आते, हस्बैंड है रिश्तेदार है या फिर ससुराल वाले कोई भी आए आके खाने पे बैठे, आप भी नहीं बैठे लेकिन आपने फर्स्ट यू हैव गिवन इट टू अदर्स योर फैमिली मेंबर्स. पहला निवाला लेते ही शुरू करते कि अरे आपने एक सालन बनाया दूसरा सालन बनाना था, अरे इसमें नमक ज्यादा है नमक कम है इसका मजा सही नहीं है, अरे मऊज लाए जाम क्यों नहीं लाए, सेब लाए आम क्यों नहीं लाए, हाउ डू यू फील? जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, अरे मैं रोजा थी इतनी मेहनत करके जाके पूरा राशन लेके आई पूरा बना के करके इतनी मेहनत से मैं आपको दे रही हूँ आप इसमें गलतियां निकाल रहे हैं. जाहिर से बात है हर इंसान को गुस्सा आएगा, मेरे को भी गुस्सा आता, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बेहतर हूँ, जाहिर सी बात है. मगर अगर आप आपका तवक्कुल अल्लाह के साथ रहेंगे आपका रिलेशनशिप अल्लाह ताला के, आप अगर आप ये सोच रहे कि आप अपनों को खाना बनाना अपनों को खाना खिलाना और पानी पिलाना बहुत नेकी का काम है, अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, आप अपने शौहर को खुश करना अल्लाह के लिए कर रहे हैं खालिस अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगेगा. एंड ये बहुत डिफिकल्ट है, इवन द बेस्ट उलेमा जो बोलते हैं लेकिन उसमें अमल करना बहुत मुश्किल है. आप कितने लोगों को देखे होंगे जो इवन कुरान नमाज में भी पाबंद है या फिर अपने आमाल में भी पाबंद है कि आप उनको ऐसा कैजुअली कोई नेगेटिव कमेंट दिए लेकिन उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. दैट इज तवक्कुल. वो है अल्लाह ताला से एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना कि सामने वाला कुछ भी बोल दे उसको फर्क नहीं पड़ता.
आप एक इंसान को 1 करोड़ रुपए भी दे दिए, लेकिन वो इंसान आपको अगर कुछ पलट के भी नहीं देखा, आपसे शुक्र भी नहीं करा, आपका बुरा वक्त है कल को, लेकिन वो आपको मदद नहीं करा, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका रिवॉर्ड इज फ्रॉम अल्लाह ताला। आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे इंसान से, आपका दिल ये बोलेगा कि मेरे को तो देने वाला अल्लाह है, अल्लाह ताला बड़ा है, इंसान कितना दे सकता, जो भी देता अल्लाह ताला देता। तो अपने को जब तक वो तवक्कुल नहीं आएगा, जो अपने की जो नियत है, वो अपने इंटेंशंस जो है जो सही नहीं होंगे, बोलते हर चीज में अपने इंटेंशंस अल्लाह ताला के रहना है, हम लोग बोलते। तो अब जो भी काम कर रहे हैं बिस्मिल्लाह बोल के करिए, अल्लाह के ताला के लिए करें, बोलना आसान है करना आसान है, लेकिन उस पर अमल बहुत मुश्किल है। कोई आपने से बुरा सलूक करा तो कितना गुस्सा आता, हम कोई किसी के लिए करते कोई फेवर, वी डू इट टू देम, दे डोंट पे बैक। आजकल के जमाने में तो कोई भी नहीं कर रहा, और लोगों का आउटलुक ऐसा आ गया कि किसी से अच्छे रहने से वो लोग वापस अच्छे नहीं रहते, तो देर इज नो नीड टू बी गुड टू देम, ये ऐसा हो गया। मगर अगर आपका तवक्कुल अल्लाह में है, आपके आमाल अल्लाह के लिए कर रहे, तो आपको लोगों के बर्ताव जैसा भी रहे आपको सुकून रहेगा और आपको बुरा नहीं लगेगा। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू वर्क ऑन, और जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में 10-10 लोग है, एक दूसरे की वजह से परेशान है, जिसको आप एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते, दिस इज द ओनली सीक्रेट यू कैन वर्क ऑन। ये एक सीक्रेट है जिसकी वजह से आप एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते। एंड इंसान को जिंदगी में सुकून के लिए एक बैलेंस होना चाहिए, ये बैलेंस है। फर्स्ट थिंग है तवक्कुल रखना, जो भी होता अल्लाह ताला अपने बेहतर के लिए करता, बीमारी आई अल्लाह ताला की आजमाइश है, जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से है, आपके पास पैसा आया अल्लाह ताला की वजह से, पैसा नहीं है अल्लाह ताला की वजह से, इसमें अल्लाह ताला का मतलब बेहतरी किस चीज में है नहीं मालूम। आप कुछ दुआ करते हैं वो आप तक पहुंच नहीं पहुंचती, मे बी अल्लाह ताला उसमें ही बेहतरी है, यू नेवर नो, हैव दैट तवक्कुल। एक तवक्कुल रहना चाहिए, और जो भी मदद है अल्लाह ताला से मांगना है। आप अपने शौहर के सामने पैसे कम है रोएंगे, देयर इज नो यूज, अल्लाह ताला के सामने रोइए। आपको कोई चीज कोई किसी से कोई आपसे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर जानता, अल्लाह ताला बेहतर देने वाला है, अल्लाह ताला के सामने रोना है। हसबनल्लाहु नीमल वकील हमेशा कहना चाहिए। सो अपना तवक्कुल रखिए, साथ में जब भी हम कोई गलती करते हैं उसमें अस्तगफार करना चाहिए। अगर ये दोनों में बैलेंस रहेगा तो इंसान को सुकून रहेगा। अस्तगफार की अहमियत मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि इतनी ज्यादा है। अस्तगफार एक ऐसी चीज है जो इंसान को जहन्नुम से जन्नत लेके जा सकता है, जो एक गुनहगार को जन्नती बना सकता। सी, आप ये मत सोचिए कि आपके गुनाह कितने हैं, आप ये सोचिए कि आप गुनाह करें और अल्लाह ताला की तरफ आपने मतलब माफी मांगी क्या। देखिए इंसान है, गलती तो करता। आप अगर बोले कि मैं गलत नहीं हूं, मैं कोई गलती नहीं करती, मैं मेरा इल्म बेहतर है, मैं बहुत अच्छी इंसान हूं, मैं सिर्फ दीन का काम करती हूँ, मैं कोई गलत नहीं करती, तो आप इंसान नहीं है। इंसान की फितरत में गलती करना है। जब आदम अलैहि सलाम खुद अल्लाह ताला से मिले थे, और जब अल्लाह ताला ने डायरेक्टली उनको बोला था कि आप वो फलाना फलाने झाड़ का जो फल है नहीं खाए, फिर भी उन्होंने गलती की, उनसे गलती हुई, वो तो डायरेक्टली ही हैड सीन अल्लाह ताला, हम लोग तो फिर भी हम लोग कुछ नहीं है उन लोग के सामने। जब उनसे गलती हुई, उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने अल्लाह ताला ने माफ किया, तो हम क्या है। यूनुस अलैहि सलाम से भी गलती हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी माफ करे। सबको सबसे गलती होती है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू एर, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग अ सिन। व्हाट इज रॉन्ग इज नॉट आस्किंग फॉर रिपेंटेंस, अपनी गलती की माफी नहीं मांगना, अपनी गलती को रियलाइज करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। गलती करना गुनाह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इबलीस ने भी गुनाह किया था, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया है, मैं जहन्नुम में जाऊंगा और इंसान को भी जहन्नुम को लेकर जाऊंगा। बल्कि ही हैड टोल्ड, अगर हम ये सोचे कि हमारी गलती बड़ी है और मैंने कई गुनाह किए, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, तो हमें और इबलीस में क्या फर्क रहेगा। आपके गुनाह जो भी है, अगर आपके गुनाह अगर एक समंदर के उतने भी है, तो अल्लाह ताला उससे ज्यादा बड़े दिल वाला है, वो माफ करेगा।
तो आपके गुनाह जो भी हैं इबलीस से तो कम ही रहेंगे। इबलीस तो डायरेक्टली जन्नत में था, अल्लाह ताला का अजीज था, फिर भी उसने गुनाह की। सो आपके जो भी गलती हैं अल्लाह ताला माफ करेंगे। आप कभी ये मत सोचिए कि आप मतलब गलत है, आप गुनहगार है। डोंट हैव दैट फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी। जब इंसान को अपने आप को गलत है, हम आई एम नॉट गुड एनफ ये फीलिंग आती है ना, तभी ये डिप्रेशन एंग्जाइटी आती है। ये एक शैतानी फितरत है, शैतानी वसवसा है, जो जनरली साइकेट्रिक इलनेसेस में लॉस ऑफ पॉजिटिविटी बोलते हैं और लॉस ऑफ होपलेसनेस बोलते हैं। ये अस्तगफार की कमी से आती है। इस्लामिकली देखेंगे तो ये एक अस्तगफार की कमी है, ये शैतानी फितरत है, ये शैतान का वसवसा है। और अगर आप किसी के साथ है, आपका माहौल किसी के साथ है, या फिर आपके साथ लोग है, कोई भी घर वाले हैं या रिश्तेदार है या दोस्त है, जो आपको फील कराते कि आप गलत है, आप गुनहगार है, यू आर नॉट गुड एनफ, तो यू कैन कट ऑफ फ्रॉम दैट टॉक्सिक पीपल। इट्स नॉट रॉन्ग टू कट ऑफ फ्रॉम अ रॉन्ग पीपल, टॉक्सिक पीपल हु आर मेकिंग योर लाइफ वर्स्ट। फर्स्ट आप अपने अपने आमाल मतलब आपके फीलिंग्स को अपने आप को अपलिफ्ट करिए, उसके बाद आप दूसरों के साथ बेटर बिहेवियर कर सकते हैं। सो नेवर एवर लेट दैट थॉट कम, डोंट लेट दैट इंसेप्शन हैपन इन योर माइंड के आप गलत है, गुनहगार हैं और अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई रहती, कोई इंसान गलत या सही नहीं रहता, बस हालात रहते। अगर कोई पूछे कि कोई एक सीक्रेट बताए जिसकी वजह से जन्नत में जाए, लाइक कोई खजाना है उसकी चाबी अगर मिल गई तो कैसा है, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये जन्नत का खजाना, ये जन्नत का और ये जो ट्रेजर है उसकी की क्या है। ये ट्रेजर की है अस्तगफार, अपने गुनाहों की माफी मांगना। गुनाह नहीं करना ये कोई जन्नती की अलामत नहीं है। वी आर ह्यूमंस, हम गलती करते हैं। आप बेहतर इंसान वो नहीं है जो कभी गलती नहीं करता। आप अगर गलती नहीं करना चाह रहे, आप सोच रहे कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा, तो जिंदगी भर अपने आप को एक कमरे में बंद करके पूरी जिंदगी उसमें ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला वो भी नहीं जानता। ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऑन मसलन के ज्यादातर प्रॉब्लम्स पर्सन लाइफ है, फैमिलीज में किस वजह से आते हैं? शादी से आते हैं, शादी के बाद आते हैं, शादी के बाद के प्रॉब्लम शादी से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर लोग शादी करना ही अवॉइड कर दें तो प्रॉब्लम्स आते, प्रॉब्लम सॉल्व होते, लेकिन अल्लाह ताला ने वैसा नहीं बोला। शादी आधा दीन है, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि शादी से कई हालात सर्कमस्टांसेस आएंगे जिसमें आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो यू कैनॉट स्टॉप फ्रॉम व्हाट इज व्हाट द सिचुएशन इज, यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर आउटलुक। सो हर बार आप गुनाह करें, अल्लाह ताला की तरफ आप सुजूद करिए और माफी मांगिए। एक कहावत है, बेस्ट ऑफ द सिनर्स आर दोज हु रिपेंट। जब एक इंसान अगर कोई इंसान अगर सुजूद में जाता है, तिलावत करता है, तो शैतान रोता है और ही बिकम्स वेरी सैड, बिकॉज वो सोचता कि मतलब इबलीस को भी बोला गया था कि वो सुजूद करे, लेकिन उसने नहीं की, उसने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन जब इंसान मांगता है तो शैतान को बहुत दुख होता है। सो every time you fall, every time आप जब mistake करते हैं तो मतलब अल्लाह ताला की तरफ वो करिए। अगर रमजान में सबसे बेहतरीन जिक्र है तो वो अस्तगफार है। तो अब आपको तो ये मालूम हो गया कि अस्तगफार है, गुनाह है, और अगर अपने गुनाह से अस्तगफार करेंगे तो आप जन्नत तक जाएंगे। तो फिर क्या चीज है जो आपको रोक रही? आपको तो सीक्रेट मिल गया जो जन्नत को जाने का है, तो फिर भी लोग क्यों नहीं कर रहे? तो हर इंसान तो जन्नत को जाना चाहिए, सीक्रेट मिल गया, मालूम हो गया। ये जो दीवार है जो अस्तगफार और अपने गुनाहों के बीच है, ये घमंड, गुरूर और तकब्बुर है। ये जो ईगो है ना, ये इंसान को अपने गलतियों को जो अपने आप का जो आईना है उसके बीच में दीवार बन जाता। आपको रियलाइज नहीं होता कि आप गुनाह करें। आप किसी से लाइक फॉर एग्जांपल आप आपके माँ बाप है, कभी गुस्सा आ गया, आप उनसे ऊंची आवाज में बात करें, वो गुनाह है। मतलब शैतान बोलता नहीं, आपको एक ईगो आ जाता, एक एरोगेंस आता, नहीं उन्होंने कोई गलती की इसलिए हमने आवाज ऊंची की, नहीं मैं गुनहगार नहीं हूँ। हाउ कैन आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस
नहीं अगर मैं उनसे माफी मांगी तो इज्जत जाती, मैं नहीं पूछ सकती. सो ये एक एरोगेंस है, एक ईगो है जो शैतान दिलों में लाता. ये एक रीजन है जिसकी वजह से अपनी सारी मुसलमानों की उम्मत है जो दिन ब दिन गिर रही है. आई कॉल इट अ ब्रोकन ब्रिज. जो अपने को जन्नत का रास्ता है वो टूट गया. किस वजह से? घमंड, गुरूर, तकब्बुर, एरोगेंस, एटीट्यूड, स्टेटस, इज्जत, शोहरत. आप जब तक अपने गलतियों का एहसास नहीं होता आप माफी नहीं मांगेंगे. आप यकीन नहीं करते अगर आपको रोज हर रोज आप आज क्या गुनाह करें, आप तहज्जुद में आपको छोटे छोटे गुनाह, छोटे छोटे जो आपसे गलतियां हुए उसका आपको अगर अंदाजा नहीं हो रहा तो उसका मतलब कि आपके दिल में कुछ कमी है, मतलब आपकी आंखों में पट्टी बनी हुई है. ये एक बहुत बड़ा नेक, मतलब बहुत ही नेक कैरेक्टर है जो अल्लाह ताला हर इंसान को आजमाए कि इंसान हर वक्त हर नमाज में हर दुआ में अपने दिल से अपने गुनाहों को माफी मांगे, अपने गुनाहों को रियलाइज करे. अगर इंसान को घमंड, गुरूर, तकब्बुर का चश्मा आंखों पे आ गया तो उसको ऐसा दिखता कि सामने वाला गलत है, उसने मेरे को इज्जत नहीं दी, उसने ज्यादती की, वो ज्यादा खराब है, मैं बेहतर हूं. ये एक शैतान जो अपने आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये हम लोग को कुछ नहीं, मतलब ये अपने को जन्नत की तरफ जाने से रोक रही है. एंड सेकेंड थिंग इज, अभी जो ग्लोबल पैंडमिक चल रहा तो हर घर में ये डिस्कशन आ रहा, ये दुनिया में ऐसी आजमाइश क्यों है, कोरोना किस लिए आया है, किसके गुनाह है. सब लोग बोर्ड बैठ के डिस्कशंस कर रहे, बोल रहे, मतलब सब एक दूसरे पे वो कर रहे, अरे मोदी है मुसलमानों से ज्यादती कर रहा था, कोरोना आ गया, ट्रम्प है ज्यादती कर रहा था, लोगों में इतनी शहवानियत आ गई है, गे मैरिजेस हो रहे हैं, लेस्बियन मैरिजेस हो रहे हैं, लूत अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो शैफानियत थी आ गई, इसलिए ऐसा ग्लोबल पैंडमिक आया, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है इसलिए पैंडमिक आया, ये ऐसा है वो वैसा है. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे, वो गलत ये गलत. व्हाट आई वांट टू टेल इज एक्चुअली हम सब गलत है. हाँ, ये सब मे बी हम सब भी इसके जिम्मेदार है. कोई भी इंसान पे कोई परेशानी आजमाइश अपने आमाल की वजह से आती है. दूसरों में गलतियां निकालने से बेहतर है हम अपने आप के गलतियां देखें. फर्स्ट देखिए आपके आमाल में क्या गलती हो गई, आपके तिलावत में, आपके हुस्न सुलूक में क्या गलती हो गई. मुसलमान उम्मत की हालत इतनी बुरी है कि कोई स्कूल है, स्कूल में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, पढ़ाई सही नहीं हो रही है. लोग बोलते हैं कि अरे वो मुसलमानों का स्कूल है, मुसलमान एडमिनिस्ट्रेटर्स है इसलिए वैसा है. घर है, अपार्टमेंट्स है, अपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, अपार्टमेंट में क्रैक्स आ रहे, कुछ ड्रेनेज फैसिलिटी सही नहीं, अरे वो बिल्डर मुसलमान था इसलिए ऐसा है. हर चीज में छूटे मक्कार फरेबी सब बोलते हैं, मुसलमान खुद बोल रहा है कि मुसलमान गलत है. ये किस वजह से आया है? पहले लेट्स सी इनटू दिस. आप एक बात सोचिए, अल्लाह ताला को ये बुरा लगेगा कि मोदी बहुत खराब है, काफिर तो काफिर है कैसा भी, उन जहन्नुम में जाएगा, वो बुरा लगेगा, या फिर मुसलमान अपने आप को मुसलमान कह रहा है लेकिन अपने आमालों में इतना गिरा हुआ है, मुनाफिक बन गया है, क्या ये चीज बुरी है? सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. अपने आप पे देखिए, हर रोज हर नमाज में देखिए कि आप में क्या गलती है, माफी मांगिए. पता नहीं किसके कौन से माफी से अल्लाह ताला अपने पे आजमाइश निकाल दे, नहीं मालूम. एंड डोंट जज अदर्स, जज योरसेल्फ. ये एक ट्रेंड हो गया है व्हाट्सएप जब से आया है, लोगों पे मैसेजेस पास करना. जैसा हाल ही में एक लड़की आयशा ने खुदकुशी की थी, ओपिनियंस देना कि वो जहन्नुम जाएंगी, वो ऐसी है, वो वैसी है. Who are you to judge it? आप कौन है? ये आपका काम है जज करना, क्या आपका काम है? अल्लाह ताला ने आपको मुकर्रर किया क्या किसी का कैरेक्टर जज करने के लिए, या फिर आपको बोले थे कि नहीं आप डिसाइड करो कि कौन जहन्नुम जाएगा कौन जन्नत जाएगा? Who are you?
अगर आप अगर अगर कोई दीन की समझ भी रखते तो आपको ये हक हरगिज नहीं बनता कि आप किसी के कैरेक्टर पे, किसी के आमाल पे और किसी के दीन के ऊपर आप कोई कमेंट मारे। हाँ, आप इतना कर सकते कि आप ये बोल सकते कि ये सही है, ये गलत है, ये सही तरीका है, लेकिन यू कैन नेवर जज अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ देयर दीन, इन टर्म्स ऑफ देयर सिन और इन टर्म्स ऑफ देयर एनी प्रैक्टिस। अल्लाह ताला खुद एक दिन पूरा मुकर्रर किया है ये जज करने के लिए, लोगों को देखने के लिए कि कौन जन्नत जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, और वो एक दिन कयामत के दिन वो अपने वर्ल्डली डेज में 50,000 दिनों का रहेगा एक दिन। एंड ये अपना काम नहीं है, स्टॉप डूइंग दैट। ये बहुत ही रियाकारी और घमंड गुरूर तकबर में आएगा। और डोंट डिग्रेड एंड लुक डाउन ऑन अदर्स इन द नेम ऑफ दीन। अगर आपका दीन बेहतर है, अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, कोई बाजू वाले या फिर आपके रिश्तेदार या फिर अपने भाई बहन या घर वाले 2 ही वक्त नमाज पढ़ते, डोंट लुक डाउन अपॉन देम। आप उनको नीचा मत दिखाइए, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ तुमको नमाज भी नहीं पढ़ते, आपका दीन कैसा है मत दिखाइए। हर हर इंसान का अमल उसके साथ है, अल्लाह ताला बेहतर जानता। आपको नहीं मालूम, आप खाली नमाज पढ़ते होंगे, दूसरे कैरेक्टर सही नहीं है। वो जो इंसान जो 1 वक्त पढ़ता उनका बेहतर रहेगा। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि नमाज नहीं पढ़े, लेकिन स्टॉप जजिंग पीपल। अगर आप हिजाब पहनते हैं, कोई दूसरी औरत है वो हिजाब नहीं पहनती, बुरखा नहीं पहनती, तो आप उनके उनको डिग्रेड मत करिए। बोलना आपका काम है, सही है, आप बोलिए कि आप हिजाब करिए, बुरखा पहनिए, नकाब बनवानिए, बोलिए, लेकिन डोंट लुक डाउन। लुकिंग डाउन ऑन एनीवन इज वेरी बैड। लुकिंग डाउन का मतलब ये होता है कि किसी को नीचा बताना, कि बोलना कि आप दीन में कौन बहुत ही नीचे हैं, आप हम दीन आपसे बेहतर हैं, ये बहुत बुरी बात है। ये घमंड गुरूर तकब्बुर में आता, अल्लाह ताला इसे बहुत ही नापसंद करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन कई साल तक पहनाया था, उन्होंने कभी किसी को नीचा बताया? अगर वो भी अगर ऐसा करते तो अपना इस्लाम इतना नहीं फैलता। इस्लाम का एक प्राइम कैरेक्टर है हुस्न सुलूक, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना। सो आप किसी के आमाल सही नहीं है उसके बेसिस पे आप किसी को नीचा नहीं बता सकते। अगर आप सोच रहे, फॉर एग्जाम्पल आई टेल के एक बात बोल रही हूँ कि आप सोच रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी एक शरई तरीके से करनी चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, तो अच्छी बात है। आप अपने बेटे बेटियों की और घर वालों की जो भी आपके कंट्रोल में है उनकी शादी सही तरीके से करिए, और अपने आस पड़ोस सबको बोलिए कि शादी एक इस्लामी शरई तरीके से करिए जो आप बच्ची वालों पर बोझ नहीं बने। लेकिन कोई दूसरे हैं जिनको ये इल्म नहीं पहुंचा या फिर मे बी उनके हालात ऐसे हैं कि वो उस पर अमल नहीं करे, आप उनको डिग्रेड नहीं कर सकते। आप उनको मतलब हम उनके शादी में ही नहीं जाएंगे या फिर उनको नीचा दिखाएंगे क्योंकि उनके अमल सही नहीं है, हम नहीं कर सकते। उनके अमल उनके साथ और उनका दीन उनके साथ, अल्लाह ताला बेहतर डिसाइड करेगा कि उनका क्या अजर होगा। आपका काम है दीन फैलाना, लेकिन आपका ये काम नहीं है कि आपका हुस्न सुलूक आपके दीन के बेसिस पे, आप उनके आमाल के बेसिस पे चेंज हो। और डोंट हर्ट एनीवन, किसी को उनके स्टेटस पे, अपने पैसों पे या फिर उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, या फिर कोई गोरे है, कोई काले है, कोई नकटे है, कोई गिड्डे है, लंबे है, या फिर कोई मोटे है, या फिर कोई अनपढ़ है, कोई पढ़े लिखे है, या फिर कोई गुनहगार है, कोई नासमझ है, किसी को इल्म नहीं है, कोई किसी के आमाल पे या फिर किसी के अपीयरेंस पे, किसी के कपड़ों पे, किसी को हर्ट मत करिए और किसी को नीचा मत दिखाइए। हाँ, करेक्ट करिए, लेकिन अपने फीचर्स या फीलिंग्स, इवन गेटिंग अ फ्राउन, एक अपना मुंह मोड़ना या फिर उनको एक नीचा दिखाना, ये गलत है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन फैलाते तो जब उनके पास काफिर आते या फिर गुनहगार आते, उनको नीचा नहीं दिखाते थे, उनको इल्म की पूरी एजुकेशन देते थे, लेकिन कभी नीचा नहीं दिखाते थे। स्टॉप शोइंग नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। ये एक पिक्चर है जो डिपिक्ट कर रहा है, ये सिलेंडर है, अगर लाइट इस तरफ से आई तो यहाँ पर इमेज आएगा रेक्टेंगल,
तो इस तरफ के लोग बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका शेप तो रेक्टेंगल है, और अगर लाइट इस तरफ से आएंगी तो इसका इमेज सर्कुलर रहेगा। लेकिन ये भी सही है उनके नजरिए से, ये भी सही है उनके नजरिए से, लेकिन एक्चुअली वो ना तो रेक्टेंगल है ना तो सर्कल है, ये एक सिलेंडर है। तो देट इज ऑलवेज आई मीन देर इज अ फेमस सेइंग दैट देर इज अ योर स्टोरी एंड अ हिज स्टोरी एंड देर इज अ थर्ड थिंग इज दैट देर इज अ ट्रूथ। तो बस अल्लाह ताला जानता कि सच क्या है, नियतों को हल क्या है, कौन किधर जाने वाला है, और अल्लाह ताला कभी किसी के गुनाह से उनको जहन्नुम या जन्नत में नहीं जा देता। अल्लाह ताला उनके मतलब अपने उनके रिपेंटेंस अस्तग़फ़ार उनके गुनाहों से जो माफी मांगते हैं उससे उन लोग को जज करता। सो स्टॉप जजिंग पीपल। तो ये क्वेश्चन है वन विच आई वॉन्टेड टू आस्क इज, एक सिनेरियो है, दो लड़कियां हैं, एक है गर्ल ए जो हिजाबी है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, लेकिन गॉसिप करती है, लोगों की बुराई पीठ पीछे बुराई करती है, बैक बाइट करती है, लेकिन शी इज गुड गर्ल, मतलब नमाज पढ़ती है, सब अच्छे अपने दीन में आमाल सब सही हैं, लेकिन थोड़ा एक कैरेक्टर खराब है कि वो थोड़ा लोगों के बारे में बुराई करना, कंप्लेन करना, गॉसिप करना ही करती है। तो ये गर्ल ए है। और एक गर्ल बी है जो नॉन हिजाबी गर्ल है, जो हिजाब नहीं करती, लेकिन बहुत अच्छी है, दिल की अच्छी है, सॉफ्ट एंड स्वीट हार्टेड है, लोगों से बहुत फ्रेंडली बात करती है और बहुत हेल्पिंग नेचर है। तो आपके नजरिए में हु इज बेटर? ये जजिंग का नॉन हिजाबी गर्ल बेटर है। तो ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए पोर्ट्रे किया है कि ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा कि जो हिजाब नहीं पहनते उनके दो रीजंस होते हैं, मतलब दे जस्टिफाई देमसेल्फ दैट दे डोंट वेयर हिजाब फॉर द टू रीजंस। फर्स्ट रीजन बीइंग के दे आर मॉडर्न मुस्लिम्स, हम मॉडर्नाइज मुस्लिम्स हैं, हम गांव के नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम थोड़ा मतलब ऐसा मतलब बैकवर्ड नहीं है, इसलिए हम हिजाब नहीं करते, विच इज अ रॉन्ग थॉट थो, मगर एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं। इनको तो इल्म भी नहीं है कि हिजाब की अहमियत क्या है, ये तो गैर मतलब गए गुजरे लोग हैं। दूसरे लोग हैं वो जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो हिजाबी जो है वो जो बुरखा पहन रहे हैं, वो जी दीन की तामलीम कर रहे हैं, उनका तो कैरेक्टर भी सही नहीं है, वो पीठ पीछे दूसरों की बुराई कर रहे और लोगों को तकलीफ दे रहे, लोगों को बदतमीजी से पेश आ रहे, लेकिन उन्होंने हिजाब पहन के अपने आप को बेहतर होने का दिखावा कर रहे। मैं वैसी नहीं हूं, मैं नॉन हिजाबी हूं, मैं अपने आप को ऐसा दिखावा नहीं करती, लेकिन मैं दिल की अच्छी हूँ। ये एक स्टुपिड सा एक्सप्लेनेशन है जो एक्चुअली एवरीबडी इज गिविंग ऑन इंस्टाग्राम। हाल ही में किसी ने दे हैव टोल्ड मी आल्सो। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल इज, इस्लाम इज अ प्रोग्रेसिव रिलीजन। प्रोग्रेसिव रिलीजन का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने कभी कैफेटेरिया अप्रोच सुना है? कैफेटेरिया अप्रोच का मतलब ये है कि व्हेनेवर यू गो टू अ रेस्टोरेंट, आप जब कोई रेस्टोरेंट को जाते हैं तो उसमें एक आपको बफे का ऑप्शन रहता है, इसमें आपको कई किस्म के 10 किस्म के पकवान रहते हैं, उसमें आपको प्लेट दी जाती है, उसमें आप जो चाहिए वो खा सकते हैं। आप एक खाइए या दो खाइए या पूरे 10 किस्म के पकवान खाइए, आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद है वो करिए, जो ना पसंद है वो नहीं करिए। सो दिस इज कॉल्ड कैफेटेरिया अप्रोच। कैफेटेरिया अप्रोच का मतलब ये है कि यू आर गिवन अ डिफरेंट ऑप्शंस एंड यू हैव गिवन द लिबर्टी टू चूज। ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहे ले सकते हैं, जो चाहे छोड़ सकते हैं, तो इसे कैफेटेरिया अप्रोच कहते हैं। तो इस्लाम इज नॉट अ कैफेटेरिया अप्रोच, इस्लाम हैज नो कैफेटेरिया अप्रोच। सो आप ये मत समझिए कि आपको ऑप्शंस है, आप मैं अच्छे कैरेक्टर की रहूंगी लेकिन हिजाब नहीं करूंगी, ये करूंगी वो नहीं करूंगी, यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन। अल्लाह ताला ने आपको ये सो एंड सो ये सारे अमल करने को बोले हैं, तो यू हैव टू डू इट, यू कैन नॉट चूज। मेरे को ये पसंद है इस्लाम में, ये नहीं पसंद है, वो पसंद है, यू कैन नॉट चूज, दिस इज नॉट इन अ कैफेटेरिया अप्रोच। इस्लाम इज अ प्रोग्रेसिव रिलीजन। प्रोग्रेसिव रिलीजन का मतलब ये है कि अपने आप को कल से बेहतर बनाना, अपलिफ्ट योर कैरेक्टर एवरी डे। कल आप क्या थे, ये एक मैं खाली एक
मॉडल बनाई हूँ, इसमें ये जो वर्ड्स है, जो भी कैरेक्टर्स है, दे आर नॉट लाइक फास्ट एंड स्टडी. मैं एक एग्जाम्पल बनाई हूँ. अगर एक लड़की है जो बहुत ही मतलब वेरी लो इन कैरेक्टर है, शिर्क कर रही है, जिना कर रही है, बेहयाई है, तो उसका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा अल्लाह ताला के पास, मतलब जो इस्लाम में अगर वो आगे बढ़ना चाह रही, तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि वो शिर्क छोड़े, जिना छोड़े और बेहयाई छोड़े. तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, वो छोटे कपड़े पहनती थी, बेहयाई करती थी, तो थोड़ा डिसेंट ड्रेस पहने, शर्ट सलवार पहने, थोड़ा स्लीवलेस से स्लीवलेस से हाफ हैंड्स पे आए, नमाज पढ़ना शुरू करें. पहले नमाज ही नहीं पढ़ती थी तो अब एक दो नमाज पढ़े, फिर उससे आगे अगर वो उससे बेहतर, अगर और आगे नेक्स्ट लेवल, जैसा गेम्स खेलते हैं तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल होता है, तो उससे बेहतर लेवल क्या रहता है, हिजाब पहनना शुरू करे. पहले हाफ हैंड्स पहनते थे, डिसेंट ड्रेस शुरू करे थे, अब अगले साल 2-3 साल हो चुके हैं, वो और अल्लाह ताला के करीब आ चुकी है, तो अपना ड्रेस कोड बेहतर करिए, हिजाब पहनिए, फुल हैंड्स के ड्रेसेस पहनिए, नमाज रोजा जकात देना शुरू करिए. फिर उसके और 1-2-3 साल गुजर जाते हैं, वो और अल्लाह ताला के करीब आती है, तो वो हिजाब से निकाब पे आती हैं, अपने नमाज में खुशू और खुजू से पढ़ती हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं और वक्त पे पढ़ती हैं. तो ये अपने आप को कल से बेहतर करना ही इस्लाम है, इट्स अ प्रोग्रेसिव रिलीजन. फिर उससे और ऊपर नेक्स्ट कैरेक्टर इज अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना, लोगों से अच्छा बर्ताव करना, लोगों से बुराई नहीं करना, और गॉसिप, बैक बाइटिंग, चुगली, गीबत, ऐसे चीजों से दूर रहना. अगर कोई आपसे ज्यादती करे तो सबर करना, अगर कोई आपसे मतलब कुछ बुरा सलूक करे तो टॉलरेट करना. दिस इज अनदर लेवल और हायर लेवल. नेक्स्ट उससे ज्यादा रहेगा कि आप काइंड, ग्रैटिट्यूडनेस, तवक्कल रहना, और जो भी करना आप अल्लाह ताला के लिए करना, कोई भी दुनिया की कोई भी परेशानी आपको छू नहीं सकती अगर आप उतने लेवल पे आ जाएं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स है. सो आई एम जस्ट वांटेड टू टेल यू, आपका दीन आपको डिसाइड करना है. अगर आप अपने आप को लेडी गागा से कंपेयर करेंगे, मैं तो लेडी गागा से बेहतर हूं, तो आपको ऐसा दिखेगा कि आप जन्नत में ही जाएंगे. नहीं, आपको लेडी गागा से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने आप से कंपेयर करना है. आप कल क्या थी और आज क्या है, कल आपका अमल कहाँ था, आज कहाँ है, कल आपकी नमाज कैसी थी, आज कैसी है, कल आपका कैरेक्टर कैसा था, आज कैसा है. कल अगर आप सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती थी तो आज आप सुन्नत नमाज पढ़ना शुरू करिए. अगर सुन्नत नमाज पढ़ती थी, फर्ज नमाज पढ़ती थी, तो वक्त पे पढ़िए. अगर वक्त पे भी पढ़ना आपसे हो रहा है तो माशाल्लाह तहज्जुद पढ़िए. अगर ये सब हो रहा है, अगर आपका इल्म, तफसीर, तजवीद सब करे, तो अपने कैरेक्टर को भारिए. बी मोर टॉलरेंट, काइंड, लोग आपसे ज्यादती करे तो सब्र इख्तियार करना. ये सब एक कैरेक्टर्स है जो हम लोग अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सीखे हैं और उस पर अमल करते हैं. और आप जब हिजाब पहनते हैं और तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. हिजाब इज अ सिंबल ऑफ इस्लाम. आप, यू आर रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. तो अपना कैरेक्टर उस हिसाब से लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो औरत जो नीचे है, मतलब लेवल 1 पे है, जो शिर्क जिना है, जो नमाज भी नहीं पढ़ती, जो छोटा ड्रेस पहन के, आप उनको अगर पकड़ के, अरे आईब्रोस नहीं बनाना है, ये गुनाह है बोल के अगर आप लेक्चर दिए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. आप पहले अपने बड़े 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 गुनाह रोकिए, बाद में छोटे अमलों पे आइए. और ये बोलना बहुत गलत है कि वो हिजाब पहनती और वो मतलब बैक बाइट करती, उनका दिल साफ नहीं है, और मैं हिजाब नहीं पहनती, मेरा दिल साफ है. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एक्स वाई जेड. अगर आपको कंपेयर करना है, किसी का एग्जाम्पल लेना है, तो बेहतरीन औरतों के एग्जाम्पल लीजिए. खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, इन ऐसे लोगों के, बेहतरीन औरतों के एग्जाम्पल लीजिए. एक्स वाई जेड के एग्जाम्पल मत लीजिए. बेहतरी इसमें है कि आप अपने आप को एवेल्युएट करिए, आप कल कैसे थे और आज कैसे हैं. एंड दिस वन स्लाइड आई हैव एडेड फॉर द पीपल. अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत से लोग जो इस्लाम टीच कर रहे हैं, बहुत से ग्रुप्स हो गए जो इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, उनके लिए है. आई हैव सीन दैट मतलब बहुत मुश्किल है दीन फैलाना, लोगों को दीन की दावत देना, कई बार मायूसी होती है. तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट
अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने उन्होंने इस्लाम कैसे फैलाया था? क्या ओवरनाइट पूरा इस्लाम फैल गया? लोग इनकार नहीं कर रहे थे क्या? मतलब उन्होंने मतलब सबर और कितने हुस्ने सुलूक से किस तरह उन्होंने इस्लाम फैलाया? और जो स्टोरी है यूनुस अलैहि सलाम की, वो क्या थी? वो अपने लोगों को खुद परस्ती से रोक रहे थे और अल्लाह की तरफ, अल्लाह की इबादत करने को बोल रहे थे, लेकिन बार बार बोलने के बावजूद वो लोग नहीं सुन रहे थे, तो वो उनको गुस्सा आता, तो बेजार होके वो छोड़ देते। देन ही गोस इन अ बोट, उसकी बात की स्टोरी तो मालूम है। देन तूफान आता तो अल्लाह ताला लोग चिट्स डालते उसमें, उनका नाम आता तो उनको बोट में से निकाल देते, फिर उन एक वेल उनको निगल लेती। तो देन ही रियलाइजेस दैट के ही मेड ए मिस्टेक। व्हाट मिस्टेक ही डिड? अल्लाह ताला ने बोला था कि उनको दीन फैलाओ, सबर से दीन फैलाओ, मगर वो एक बार दो बार अगर उन लोग नहीं सुने तो मायूस हो जाते, उन्होंने पीठ फेर लिया। Why I'm telling this is, कई लोग कोई क्लासेस लेते दीन के, इस्लामिक क्लासेस लेते, 30 स्टूडेंट्स है, एक दिन 10 स्टूडेंट्स है, सारा टीचर को, अरे हम इतनी मेहनत कर रहे, क्लास ले रहे, कोई आ रहे नहीं पढ़ने के लिए, इतनी जल्दी मायूसी? जब आप दुनिया का बेहतरीन रिलीजन की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो इतना, इतनी जल्दी मायूसी? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे इस्लाम फैलाने के लिए और दीन की दावत देने, तो लोगों ने उन पे पत्थर मारा था। आप बस एक स्टूडेंट्स कम आने से आपको इतनी मतलब मायूसी हो रही, इतना गुस्सा आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट तजवीद तफसीर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह सब लोग, तो कई एज ग्रुप्स है, थोड़ों की हर एक की आईक्यू लेवल अंडरस्टैंडिंग अलग रहती, किसी ने बार बार गलती की है, आपको गुस्सा आ रहा है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी पढ़ाया था? सहाबा ने ऐसे ही इल्म दिया था? जब उमर रजी अल्लाह अन्हा सूरह बकरा पढ़ना चाहते थे, उनको पूरे 12 साल लगे सूरह बकरा याद करने के लिए। माशाल्लाह आप लोग मतलब कई आलिम हाफिजा हैं जो कुछ महीनों में या कुछ दिन में याद कर लेते, लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हा को 12 साल लगे। तो हाउ कैन यू बी एंग्री और अपसेट जब आपका स्टूडेंट कोई चीज याद करने में वक्त लगा रहा? सब्र करिए। You are representing the best religion in the world and you are representing the best man in the world. अगर आप सबर और मतलब खुशी से, जो मतलब जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्रेजेंट किया था, दीन फैलाया था, अगर आप नहीं फैला सके, then how good are you in your अमल? ये आपके teachings आप जिस तरह पढ़ा रहे उसमें आपका अमल भी दिखता। So be more patient. एक्चुअली मैं एक तारिक जमील साहब का एक बयान सुन रही थी, तो उन्होंने बोल रहे थे कि जब वो मदरसे में थे बचपन में, तो जब कोई गलती करते तो उनके मौलाना लोग को बहुत मारते लकड़ी से, और ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, जिस जिस जगह पे आपको अपने मौल साहब से मार पड़ी, वो जगह जहन्नुम को नहीं जाएंगी, जहन्नुम की आग से बचेगी। तो तारिक जमील साहब बोल रहे थे, ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने ऐसे ही दीन फैलाया था? इस्लाम अगर फैल सकता तो मोहब्बत से, सबर से फैल सकता, ये ज्यादती और मतलब गुस्से से ऐसे नहीं फैलता, ये गलत तरीका है। लोग डर रहे, द वे पीपल आर बिहेविंग, जो मुल साहब या फिर जो भी है उन लोग का जो गुस्सा है, जो उनका इंटॉलरेंस है, द वे दे आर बिहेविंग, जब वो पढ़ा रहे, लोग को डर हो रहा पढ़ने के लिए। माशाल्लाह साइंस इतनी डेवलप्ड है और मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स इतने डेवलप्ड है, दूसरे लैंग्वेजेस इतने डेवलप्ड है, लेकिन इस्लाम में स्पेशली अरबिक टीचिंग्स में आई थिंक वी आर वेरी बिहाइंड। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल साइंस में बोल रही हूँ मैं, अगर एक थंब भी है तो थंब के ऊपर कई हंड्रेड्स ऑफ बुक्स है, सिर्फ थंब के ऊपर द मेडिकल नॉलेज, जो थंब का फंक्शनिंग है, उसकी एनाटॉमी है, कई बुक्स है। लेकिन आप बोलिए नूरानी कायदे पे कितने बुक्स है? अगर हो सकता तो आप सिर्फ एक फर्स्ट चैप्टर 129 चैप्टर्स है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है हरकात है,
हुर्फ मद्दा है उसके ऊपर एक बुक निकाल सकते हैं, आप बुक निकाल सकते हैं, उसमें डिटेल्स दे सकते हैं, आप उसमें वर्कशीट बना सकते हैं, उसमें एग्जाम्स छोटे असाइनमेंट्स बना सकते हैं, यू कैन मेक दैट सेल्फ इनटू ए बुक सो दैट इट इज इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड, मगर हम लोग वी आर नॉट डूइंग दैट. हम सीख लिए, हम जैसा सीखे जितनी मुश्किलात से वैसे ही दूसरे भी सीखना चाहिए. वी शुडंट मेक इट इजियर. कॉन्ट्रीब्यूट करिए, कुछ करिए, बुक्स लिखिए, पीपीटीज बनाइए, मेक द बयान मोर इंटरेस्टिंग, मेक इट मोर लाइवली. जब दुनिया के टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ के है और वी हैव अपॉर्चुनिटी, आई थिंक वी हैव टू यूज इट टू स्प्रेड इस्लाम एंड टू स्प्रेड आर टीचिंग्स. ट्राई टू मेक इट मोर इजियर एंड मोर अप्रोचेबल. अगर कोई बुक, अगर कोई लिखना चाह रहा, कोई वर्कशीट बनाना चाह रहा, सो दैट आप फोन पे और वॉइस कॉल से जितनी पढ़ाई होती उतना हैंड रिटन एंड देखने से बेहतर होती. आई दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. एंड अगर आप, तो फाइनली ये मेरा लास्ट स्लाइड है इंशाल्लाह, तो ये जो सारे आमाल है, जो कैरेक्टर्स है, अगर हम उसको सही करते हुए चले तो आखिरी में सबसे डिफिकल्ट थिंग क्या है, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट डी टू वर्क ऑन. इस बात से कई उलेमा भी राजी हैं, मोस्ट डिफिकल्ट डीड इज इंटेंशन. ये गेम चेंजर है अपनी आखिरत को बनाने में और बिगाड़ने में. रियाकारी, ये रियाकारी एक ऐसा कीड़ा है जो एकरों की फसल को, एकरों की फसल को सेकेंड्स में बर्बाद कर देता, सेकेंड्स में. आप अगर रॉन्ग इंटेंशन है आपके, अगर आपके नियत रियाकारी है, आप अगर दुनिया के बहुत अमीर इंसान हैं, अगर आप बिल गेट्स भी हैं और अगर आपकी पूरी जो भी आपका पैसा है और जो भी आपकी कमाई है, अगर आप अल्लाह के नाम पे लोगों के लिए चैरिटी के लिए दे रहे हैं या फिर दीन के काम में दे रहे हैं, लेकिन आपके दिल में अगर राई भर भी अगर उसमें रियाकारी है, दिखावा है, शो ऑफ है, तो पूरे एवरीथिंग गोस इन टू थ्रश, इट्स जीरो. जब आप अल्लाह ताला के सामने ठहरेंगे तो यू विल बी नो वन, फकीर की हालत रहेंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं पहली वक्त जब ये बात सुनी थी, मतलब मे बी एक 10 साल पहले, ये जब मैंने हदीस पहली वक्त सुनी थी कि हम जो भी करते हैं उसमें अल्लाह ताला का नाम लेके करना है, मतलब अपने इंटेंशन से खालिस अल्लाह ताला के लिए रहना है, तो मैं सोचती थी कि बस बिस्मिल्ला बोलने से हो जाता, अपनी नीयत हो जाती. नहीं, इट्स नॉट दैट ईजी. खाली बिस्मिल्ला बोलना और काम करना, उसमें आपके इंटेंशन प्योर नहीं होते. ये आपकी दिल की वो है, इट्स फीलिंग फ्रॉम हार्ट, जो बस अल्लाह ताला देख सकता, कोई इंसान नहीं देख सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता. ये रियाकारी मतलब किसी को पैसों से मदद देने में या फिर चैरिटी में नहीं है, बहुत सी चीजों में रहती. लोगों के सामने दिखावे के लिए नमाज पढ़ना, लोगों के सामने दिखावे के लिए इबादत करना, हिजाब दिखावे के लिए करना, के लोगों को बोलना कि मैं बहुत दीनदार हूँ, या फिर इस्लाम की टीचिंग्स या पढ़ाई या फिर बयान देना दिखावे के लिए, या फिर अपने को कोई हदीस मालूम है लेकिन लोगों के सामने दिखावे के लिए बोलना कि मेरे को ये मालूम है, वो मालूम है, शो ऑफ करना, या फिर किसी की हेल्प करना, अपने डे टू डे एक्टिविटीज कुछ भी है. आप अगर आप सोना, अगर आप हाथ में अगर 12 चूड़ियां हैं पहन के, अगर आप शादी को जा रही हैं, लोग देखना है, वो भी एक दिखावा है, रियाकारी है. अगर आप कपड़े पहन रहे हैं तो लोगों को बताने के लिए, तो वो भी रियाकारी है. अगर आप मेकअप कर रहे हैं, अगर सिवाय अपने शौहर को, दूसरों को खुश करने के लिए या फिर किसी और को बताने के लिए, वो भी रियाकारी में ही आता है. बहुत से एक्टिविटीज है जो अपने रोजमर्रा जिंदगी में जो अपन करते, जो वी एक्सपेक्ट क्रेडिट फ्रॉम अदर्स, वी एक्सपेक्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर्स, ये सब रियाकारी में आते हैं. सो ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल अमल है, जो अपने आप को अपने इंटेंशंस में वर्क करना, एंड अपन जो खालिस है, जो अपने अपने आमाल है बस अल्लाह ताला के लिए करना, और उसमें कोई दिखावा नहीं है. सो वर्क ऑन दैट. अगर आप में अगर थोड़ा राई भर भी दिखावा, रियाकारी, तकबुर, घमंड, उरूर आ गया, तो जन्नत को जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अल्लाह ताला हम सबको इस चीज से हिफाजत फरमाए. जजाकल्लाहु खैरन.
कोई कोई क्वेश्चंस अगर किसी को है तो कोई पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डायबिटीज टाइप 1 को इंजेक्शन और दवाई दोनों होता है तो रोजा करना कंपलसरी है क्या? एक्चुअली कई लोग हैं जो शुगर डायबिटीज है लेकिन फिर भी रोजा रहते, अगर उनको दो टाइम इंसुलिन लेने का है, अगर उनमें मतलब कैपेसिटी है, एज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर बहुत ज्यादा बीमारी है तो फर्ज नहीं है, आप उसको वो भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ दो टाइम आपको इंसुलिन लेना है तो इफ्तार से पहले और सहर से पहले इंसुलिन लेके भी रह सकते, मगर इट डिपेंड्स उनको मतलब कैन ही टॉलरेट। समटाइम्स क्या होता कि डायबिटीज में एक्सट्रीम कीटो एसिडोसिस में चले जाते हैं, स्टार्वेशन मोड में, तो इससे किडनीज या लिवर खराब होने के चांसेस रहते। सो उनके शुगर लेवल्स कैसे है देखिए और वो बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके हिसाब से। हाँ मेरी बात कर रही हूँ, मुझे डायबिटीज टाइप 1 है, मैं 10 साल की थी मतलब तब से है, और मैं 3 टाइम इंजेक्शन लेती हूँ, दवाई लेती हूँ, और बहुत फ्लक्चुएशंस रहते हैं, और मतलब जो HbA1c जो एवरेज रिपोर्ट आता है ना वो भी 9 और 10 पॉइंटर्स के अराउंड आता है, तो डॉक्टर ने तो ज्यादा गैप के लिए मना किया है, मतलब क्योंकि अगर मतलब मैं लास्ट ईयर सोचा था कि एक बार ट्राई करती हूँ कैसे मतलब पार्शियल डाइट से करती हूँ कि कैसा रहता है, तो 5 दिन के अंदर 2 बार तो चक्कर आ गए, मतलब ऐसा हुआ था। पार्शियल डाइट मतलब मैंने कम खाया और मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा हाफ स्टार्व करके देखती हूँ कैसा होता है, लेकिन इट डिडंट वर्क, सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि इज इट रिकमेंडेबल है, क्योंकि ये तो बहुत ही हेल्थ के अगेंस्ट जा रहा है, और इंसुलिन तो मैं स्किप करना अभी सोच नहीं सकती क्योंकि उससे शुगर बहुत ऐसा एक्सट्रीम बढ़ जाती है, स्किप भी करती हूँ तो, क्योंकि बीच में मेरा इंसुलिन खराब हो गया था तो मैं ऐसा लग रहा था कि इंजेक्शन ले रही हूँ लेकिन वो अंदर इंसुलिन जा ही नहीं रहा था बॉडी में, तो इतना वो हो गया था वर्स्ट सिचुएशन के फीट पर इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा ओके। आपको आपका HbA1c 9 है, उसका मतलब कि आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, आइडियली 6 to 7 रहना चाहिए, तो उसका मतलब कि आपका बहुत ही डीरेंज्ड है, तो इवन अगर आप रोजा नहीं भी रहे यू हैव टू वर्क ऑन योर मेडिकेशंस, इंसुलिन आप बदलाइए क्योंकि 9 रहना अच्छी बात नहीं है, और आपको जुवेनाइल डायबिटीज है, नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज नहीं है, और जनरली नेवर एवर व्हेन यू आर गोइंग टू फास्ट, अगर आपको रोजा रहना है या फिर जो भी करना है, नेवर टेक लेस फूड, डोंट गो इन स्टार्वेशन मोड, ऑलवेज ईट हायर, रमजान जनरली अपना शुगर थोड़ा हायर रखना बेटर है, मतलब आप ज्यादा ही खाना, मीठा थोड़ा खा लेके इफ्तार में, इफ्तार से पहले इंसुलिन ले लेना, और सहर भी अच्छी तरीके से करना, ये बेहतर है। यू कैन नॉट हैव योर शुगर लिमिट्स इन द लोअर लेवल, क्योंकि शुगर का साइड इफेक्ट जो लो ग्लूकोज से है दैट इज मोर हार्मफुल देन हैविंग अ हायर ग्लूकोज। मैं वही बोल रही हूँ, मैं रोजा तो नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरे कैपेसिटी में मुझे नहीं लग रहा है कि मुझसे हो पाएगा, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने हाफ फूड खाने का भी ट्राई किया तो भी प्रॉब्लम हो गई, मतलब मैंने जैसे मैं बोला ना कि धीरे धीरे गिव अप करती हूँ कैसा रहता है बॉडी को, लेकिन नहीं सूटेबल हुआ, मतलब हाफ फूड यानी कि आके पूरे दिन में मैंने कोई रोजा नहीं रखा था, मैंने सोचा मैं रूटीन ही करती हूँ। नो, आप यू कैनॉट कंपेयर योरसेल्फ टू स्टार्वेशन एंड रोजा, रोजा इज नॉट अ स्टार्वेशन, आप इफ्तार अच्छा पेट भर खाते हैं और न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं और सहर भी बहुत न्यूट्रिशियसली लेते हैं, स्टार्वेशन इज नॉट इक्वल टू रोजा, रोजे में आप अपनी इफ्तार और सहर बहुत अच्छी तरह पेट भर खाते हैं, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू स्टार्वेशन, आप स्टार्व करके अपने आप को रोजा नहीं रह सकते ऐसा मत सोचिए, ये दिस इज अ होल डिफरेंट सिनेरियो, दैट इज अ होल डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन आपको रोजा रहने से पहले आपको आपके HbA1c शुगर लेवल्स पे वर्क करना पड़ेगा, कंसल्ट अ डाइटिशियन, आपको उनको बोलिए कि मेरे को इंसुलिन के बावजूद आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल नहीं है, तो दे विल चेंज योर डाइट, जब आपका HbA1c 7 तक आएगा तो इंशाल्लाह यू कैन ट्राई फास्टिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि शो ऑफ और अप्रिसिएशन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, लेकिन
ऑफिस में एक्चुअली हो जाता है ना कि हमको हमारा वर्क शो करना पड़ता है ताकि अच्छे इंक्रीमेंट मिले, और अप्रेशन भी एक्सपेक्ट करना पड़ता है, सो बिकॉज इट इज ऑल कमिंग अंडर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो वहां पे तो अलाउ, मतलब वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना अगर हम पैसे के लिए और प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे तो. नहीं नहीं नो, योर प्रोफेशनल लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. सी दैट इज आवर जॉब. कॉर्पोरेट जॉब है, मतलब कई कॉर्पोरेट जॉब्स इस चीज में ही वर्क करते हैं कि यू हैव टू हैव योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, योर आई मीन दिस थिंग. ये एक वन ऑफ द रीजन है कि मैंने कॉर्पोरेट्स छोड़ दिया है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में जनरली नॉट लाइक इंजीनियर्स एंड दिस थिंग, इवन मेडिकल कॉर्पोरेट्स में वी आर गिवन कट ऑफ लिमिट्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहते, KPIs रहते, वहां पे हर डॉक्टर को बताना है कितने सर्जरीज करे हैं, कितने पेशेंट्स को लाए हैं और कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं. सो आई फेल्ट दैट इट इज रॉन्ग, ए पर्सन शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क ऑन सर्टेन लिमिट्स. मतलब तो मैं, मेरा एक रीजन है कि मैंने कॉर्पोरेट्स इसलिए छोड़ा है कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग. तो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज. अगर आप मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप यू लीव योर जॉब, मगर दिस इज हाउ द जॉब्स आर टुडे, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब. तो बस आप यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कैनॉट हेल्प इट, बिकॉज माई जॉब इज रिगार्डिंग हेल्थ, एक इंसान की हेल्थ के बारे में है, इसलिए आई फेल्ट दैट दैट इज रॉन्ग. बट योर्स इज लाइक अ वर्चुअल वर्क और साइंटिफिक कंप्यूटर्स, आईटी, तो इंशाल्लाह उसमें कोई गुनाह नहीं होना चाहिए. ओके, इंशाल्लाह जैसे कल लक है. हेलो. हाँ जी जी बोलिए. हेलो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो विल एंड द सेशन. मैम एक मिनट, ये व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं. हेलो. हाँ जी बोलिए. हेलो, पूछ रहे हैं. हाँ जी बोलिए. अच्छा ठीक है, आप पूछ लीजिए पहले. पारे आप पूछ लीजिए. हाँ मैं ये पूछ रही थी कि आजकल जो कोविड की तरफ से प्लाज्मा वगैरह ले रहे जी, तो वो इस्लाम से जायज है प्लाज्मा वगैरह, या कुछ खून खूनी रिलेशंस का जो रहता कि ब्लड दे देने से उनसे रिश्ता नहीं हो सकता, ऐसा कुछ रहता ना अपने इस्लाम में, कुछ बारीकियां हैं तो प्लाज्मा से कुछ वैसी है क्या सब? खून देने से नहीं, एक मिनट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस थिंग के खून देने से मतलब रिश्ता नहीं होता. ये मतलब आप कुछ ऑथेंटिक कोट कर सकते हैं या फिर मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना. नहीं, जैसा कि हम किसी को खून दिए यानी तो उसे मेरे बच्चे, मैं किसी को खून दी तो मेरे बच्चे उन्हों दूध भाई की वैसा होते ना, तो खूनी रिलेशन होता तो उनमें शादी नहीं हो सकती. तो आजकल जो प्लाज्मा वगैरह दे रहे तो नहीं, वही वैसा कुछ हो सकता है क्या? मतलब नहीं, एनी इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट कोई इस पे लाइट डाल सकते हैं, या मतलब माजिदा मैम या फिर आलिया कोई बोल सकते कि खून देने से आप रिश्ता नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है साइंटिफिकली? तो आई डू नॉट सपोर्ट दिट. इस्लामिकली ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, मुझे पता है. एक्चुअली मेरा नाम मसूर है, मेरा नाम परी. जी जी जी. तो खूनी रिश्ता हो जाता ना, क्या रिश्ते कैसा हो जाता खूनी रिश्ता? भाई बहन का, भाई बहन का हो जाता ना खून देने से. नहीं नहीं, जैसे कि दूध पिलाने से जो देखिए सिस्टर, खूनी रिश्ता खून से नहीं बनता. हर एक का खून अलग रहता, आपका खून और आपके बेटे का खून अलग रहता. कोई किसी माँ का ओ नेगेटिव रह सकता, बेटे का भी पॉजिटिव रह सकता. खूनी रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि वो लिटरल ब्लड, जो खून लाल कलर का खून है वो खून है. इट्स जस्ट अबाउट योर जीन्स, इट्स अबाउट योर DNA, इट्स नॉट अबाउट द ब्लड. ब्लड वो खाली वो मतलब लैंग्वेज की स्लैंग है जो बोलते हैं कि खूनी रिश्ता, लेकिन आप खून देने की वजह से आपका वो नहीं होता.
इनफैक्ट आप ही सोचिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप अगर ओ नेगेटिव है, आपके बेटे का बी पॉजिटिव है, तो आपका बेटा आपको खून नहीं दे सकता, मगर आप बोलेंगे नहीं हम लोग का खून ही रिश्ता है, हम खून के नहीं, नहीं, मैं आजकल जो कोविड की तरफ से आजकल जो कोविड की तरफ से प्लाज्मा ले रहे ना, उसमें कुछ राय थे क्या इस्लाम के, सबको दे सकते या ले सकते या हराम नहीं, है या मैं प्लाज्मा की तो मैं बात करूंगी, लेकिन खून ये भी गलत है बोलना कि खून देने से शादी नहीं कर सकते, ये पूरा गलत है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप अगर किसी का खून गया या फिर खून वो है, अगर कोई हॉस्पिटल में है आपके रिश्तेदार, तो आप वो बोल रहे कि आप खून दीजिए हम चढ़ाते बोले, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जो खून देते वो जाके ब्लड बैंक में जाता, उसमें आइडेंटिटी चेंज हो जाती, एंड देन वॉट एवर इज अवेलेबल एंड वॉट एवर इज देयर विच इज अ डिफरेंट ग्रुप, मतलब आपका अलग रहता, आपके जो पेशेंट रिश्तेदार है उनका अलग है, वो दूसरा ब्लड देते हैं उनको। सेम ब्लड देना बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में होता, डोंट सोचिए कि उनको फराने बीमार हुए तो उन्होंने जाके खून दिया तो उनका ही खून उनको चढ़ाए बोल के मत सोचिए, और खून चढ़ाने से कोई भी रिश्ता नहीं कर सकते, ये गलत बात है। There is no scientific aspect. नहीं, मेरे से रिश्ता नहीं, मेरे बच्चे उनके बच्चे जैसे कि बहन भाई हो जाते हैं ना, तो जो दूध दूध के रिश्ते है ना, सेम खून के है क्या? हदीस में खून जो दूध पिलाने के है, लेकिन खून के बारे में कुछ नहीं है, वो टाइम पे खून का कुछ वो नहीं था, और वैसे भी खून बस 120 दिन रहता ब्लड में, उसके बाद वो पूरा एक्सक्रीट हो जाता, सो there is no saying on that, matlab scientifically it is totally wrong, and second thing is plasma is different from khoon, and matlab plasma dene mein problem nahi hai, lekin plasma dene se shifa hai isme bhi scientifically bhi fully established nahi hua, matlab ek ek koshish hai doctors ki ke plasma deke matlab shifa lane ki koshish hai, lekin it is not yet established fact, aur aap de sakte plasma usme aapko ye rishton ka ya fir ye bhi kuch bhi masail nahi aate इस्लाम के एतबार से भी नहीं है जी, इंशाल्लाह जी, क्योंकि वो जमाने में मतलब प्लाज्मा का वो भी नहीं था, ट्रेंड नहीं था, तो कोई मुक्ति वगैरह नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लाज्मा कब से है, प्लाज्मा बहुत जमाने से है, जो प्लेटलेट्स देते और पीआरपी देते पहले से है, मे बी इतना कॉमनली डिस्कशन नहीं था जब व्हाट्सएप नहीं था ना, तो अब तो हर इंसान को कोविड का ट्रीटमेंट मालूम है, हर इंसान को माशाला पूरे रेमडेसिविर टॉलिसुमैब ऑक्सीजन सिलेंडर्स पूरी पूरा इलाज पेशेंट्स को हर एक को मालूम है, ये व्हाट्सएप की वजह से, प्लाज्मा पहले से था, इवन हिजामा भी बहुत पहले से अब मालूम हो रहा लोगों को, या एग्जैक्टली, तो बस अपने को नॉलेज अभी पहुंच रही, लेकिन बेसिकली ब्लड में कई चीजें होते हैं, बेसिकली आई वॉन्ट टू टेल यू ब्लड में कई सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड रहते हैं, एंटीबॉडीज रहते हैं, एंटीबॉडीज are the cells that give immunity. एक इंसान को अब कोई बीमारी से बचाने की जो वो रहती स्ट्रेंथ वो एंटीबॉडीज से आते, तो ये एंटीबॉडीज है जो कोविड के रहते वो प्लाज्मा में रहते, तो आप पूरा खून भी दे सकते हैं, लेकिन खून में आपको साथ में ब्लड आएगा, वो आएगा, ये आएगा, पूरे सेल्स आएंगे, तो लोग उसको फिल्टर आउट करके जो जरूरी है वो दे रहे, इसलिए वो प्लाज्मा दे रहे। अच्छा, किसी को डायरेक्ट खून दिए तो उसका कुछ है डायरेक्ट खून देने से कुछ रिलेशन वगैरह का कुछ? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, थैंक यू जज़ाकअल्लाह। मैं साइंटिफिकली ये बोल रही हूँ, माजिद बाजी इंशाल्लाह इस्लामिकली बोलेंगे, साइंटिफिकली ये बोल रही हूँ कि खून वैसे भी आपका खून का रिलेशन खून से नहीं रहता, वो इट्स अ डीएनए, एंड योर डीएनए डजंट गो इनटू अ पर्सन एंड इम्बाइब, एक इंसान की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती वो खून लेने से, अगर वैसा होता तो पूरे मक्का शराबी और जो लोग हैं उनको सबको अच्छे दीनदार और अच्छे हाफिज कुरान के सबके खून चढ़ा देते और वो सब चेंज हो जाते तो आप उसमें बेफिक्र रहिए, और वैसे भी ब्लड 120 डेज ही रहता है, उसके बाद वो पूरा एक्सक्रीट हो जाता, नया खून आ जाता। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस्लाम के एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ, तो दूध पिलाने में भी रजात और भाईचारगी जो बोलते हैं वो सिर्फ एक मर्तबा पीने से साबित नहीं होती, बल्कि 3 से 5 मर्तबा पेट भरकर दूध पिलाने से रजात यानी भाई जो बोलते ना हम दूध भाई दूध शरीफ भाई बोल के जब साबित होती है, और वो एक ही वक्त का दूध है, ये भी एक बात जहन में रखिए पॉइंट, एक माँ है वो
वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अगर वो किसी और को भी दूध पिलाए तो रजात इन दोनों में होगी, इसके अलावा जो बच्चे हैं वो उसके दूध शरीक भाई बहन नहीं कहलाएंगे, उनसे रिश्ता करना जायज होगा। और उसकी मुद्दत एक मर्तबा दूध पिलाना नहीं है, बल्कि हदीस में मुख्तलिफ अफ़ाल आए हैं जिसमें 3 बार या 5 मर्तबा पेट भर कर दूध पिलाने से वो रजात साबित होगी। उसके अलावा वो दूसरे टाइम के यानी एक वक्त में जो दूध आता है ना माँ को, जो बच्चा पैदा होता है, तो उसके वक्त में जो भाई उसके साथ का वो दूध पिएगा तभी रजात साबित होगी। मेरे ख्याल से समझ में आई शायद। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और खून देने से करने से कोई भाई रिश्ता कायम नहीं होता, ये अलग मसला है कि हम किसी की सेहत के लिए किसी के उसके लिए खून देना अलग बात है, कुरान और हदीस में इससे कोई बात नहीं साबित है कि वो उसमें भाई बहन का रिश्ता कायम होता। जी मैम, ये सिस्टर का सवाल है, मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे चल रहे हैं, लेकिन कल से दांत में दर्द हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा? मेडिकल के हिसाब से कुछ रीजन है क्या? हेल्थ वाइज मैं क्या केयर ले सकती हूँ? और लास्ट ईयर भी 15 रोजे ऐसे ही होने के बाद दर्द हो रहा था, दांत खींचते हैं रहते। मतलब वो श्योर है कि उनके दांत में कोई कैरीज या डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है? बोलिए, आप सुन रहे हैं ना, बोलिए प्लीज। कभी आपने चेक? हाँ, श्योर बोल रहे मैम, है बोल रहे, यस। हाँ, तो आप बेहतर है एक बार, जनरली क्या रहता, समटाइम्स कैरीज एंड डेंटल डिकेज आर फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से रहते हैं, बाहर से नहीं दिखते। तो अंदर से जब रहते ना, जब हम लोग कोई फास्टिंग मोड में है या फिर हम डिकेज नहीं है बोल रहे मैम, नहीं वो ही बोल रही हूँ ना, समटाइम्स द डिकेज आर फ्रॉम द इनसाइड और बिहाइंड, जो हमको नहीं दिखते। तो sometimes that can cause that stinginess or hypersensitivity or aisa daant khinchna, aise problems ho sakte. So first thing is rule out any organic problem hai jo daanton mein hai. And second thing is sometimes hormonal changes ki wajah se ya fir kabhi starvation mode mein kabhi kabhi hum log ko joint pains, daant mein dard, aise problems ho sakte. Agar aisa kuch hai to aap long muh mein rakh sakte, matlab roze ki halat mein nahi, roza jab aap nahi hai तो लौंग मुंह में रख सकते हैं, लौंग की वजह से बहुत दांतों में बहुत शिफा रहती, तो आप ऐसा करके वो कर सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट, फर्स्ट रूल आउट एनी डेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये वीकनेस की वजह से है, टायर्डनेस जैसा बोल रहे कि पहले आपको 10 दिन के बाद आए थे, सेम नेक्स्ट टाइम से रिपीट हो रहा है, तो मे बी कभी कभी कमजोरी की वजह से भी होती, तो आप ज्यादा खट्टा लेने से भी होता है बोल रहे हैं। सेंसिटिविटी, तो मतलब आपके दांत सेंसिटिव है, स्टॉप टेकिंग, अगर आप कोई नॉर्मल टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कोलगेट या जो भी है, तो अवॉइड दैट एंड टेक सम सेंसोडाइन मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो सेंसिटिव दांत को प्रोटेक्ट करता, सेंसोडाइन, सेंसोफॉर्म, ऐसे टूथपेस्ट यूज करिए। सेकेंड थिंग, रात में ब्रश करके सोइए। और थर्ड थिंग, एक मल्टीविटामिन ले लीजिए। मिसवाक टूथपेस्ट यूज करते कहते मैम, मिसवाक यूज कर रहे तो चेंज करके आप सेंसोडाइन या सेंसोफॉर्म ले लीजिए, जो सेंसिटिविटी से आपको वो करते। तो साथ में आप यू टेक वन मल्टीविटामिन, कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं, आप जिंकोविट ले सकते हैं या फिर सुपराडाइन ले सकते हैं। तो आप ये रोज सहर में एक मल्टीविटामिन ले लीजिए। उम्मीद है आपका जवाब मिल गया, जज़ाकअल्लाह खैर। एक और सवाल है मैम, तवक्कुल जो आप बता रहे थे उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? पूछ तवक्कल इंग्लिश में तो उसका मतलब ये है कि कीपिंग योर ट्रस्ट इन अल्लाह, मतलब अपने को ये एक अनशेकेबल बिलीफ रहना कि जो भी है अल्लाह ताला अपने बेहतरी के लिए ही करता। अगर आपको बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी डॉक्टर हूँ, मैं इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसमें सोचना कि अल्लाह ताला इसमें ही बेहतरी होगा, सही वक्त नहीं आया, मे बी वक्त कुछ और मुकर्रर है, पता नहीं इसमें क्या सही, मतलब इसमें क्या अच्छा ही है। अगर कोई अपने को ऐसी औलाद ना हो के जो अपने को अपना ईमान में क्वेश्चन आए, या फिर अपने को मतलब जो मतलब नेक नहीं है, मे बी अल्लाह ताला इसलिए नहीं दे रहा, नहीं मालूम, पता नहीं अपने अपने लिए अल्लाह ताला क्या डिसाइड करा। वी डिसाइड समथिंग बट अल्लाह ताला डिसाइड समथिंग एल्स।
हैविंग दैट अनशेकेबल बिलीव के जो भी है अल्लाह ताला हमारे बेहतर के लिए कर रहा है, और वो हालात में हम मायूस नहीं होना कि क्यों मेरे को इतनी परेशानी है, क्यों मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही, क्यों मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मतलब जो भी है हालात अल्लाह ताला अपनी बेहतरी के लिए कर रहा है, और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलना कि जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, ये एक फीलिंग है, इट्स अनशेकेबल बिलीफ, ये बोलने से नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बोलते हैं कि रोज 30 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करो, तस्बीह करना अलग बात है और दिल से करना अलग बात है। जी बेशक, तवक्कुल एक दिल की फीलिंग है, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। मैं भी आपको बोल सकती हूँ कि मतलब तवक्कुल रखिए तवक्कुल रखिए। मैं अगर रोड पे से जा रही हूँ, अगर कोई आके मेरी कार को मार दी, अगर कार को मार लगा तो मेरे को गुस्सा आएगा, अरे क्यों मेरी कार अच्छा खासा था, दिन था, अब जा रही थी, क्यों आके मार दिए, गुस्सा आएगा। वैसे टाइम पे सबर से रहना, जो भी है तवक्कुल अल्लाह ताला की सच्ची चीज है, मे बी कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था उससे बचा लिया, छोटा मोटा हुआ, बहुत डिफिकल्ट है ये प्रैक्टिकली वर्किंग, बट बस हम लोग को कोशिश करना के जितना हो सके हम वो करें। दुनिया के जो परेशानियां हैं उससे अपने को पीस ऑफ माइंड, जो अपने को टॉलरेंस, जो सबर आता, ये तवक्कल की वजह से ही आ सकता। बेशक, ये जो आप बोल रहे हैं ये एग्जैक्टली मैं मेरे एक दोस्त को बोली, जो अभी सुन रहे हैं जी, उनको माशाल्लाह आप बोले ना और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसलिए बोली क्योंकि जैसे सब जानते हैं मेरे अभी बच्चे नहीं हैं जी, मैं शायद मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, तो मेरे ना शादी होके 11 इयर्स हुए हैं, 6 मिसकैरेजेस हो गए मेरे जी। तो मैं अल्लाह पे इतना बिलीव करती हूँ, और मैं सबको जो भी मेरे से पूछते हैं तो मैं यही नसीहत करती हूँ, उनको भी मैंने वैसे ही बोला जैसे आपने बोला ना, एग्जैक्टली वैसे ही बोला। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जो भी अल्लाह की मसलियत तवक्कल, यानी मैं वही बोलती हूँ कि अल्लाह के ऊपर तवल करे तो फिर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी अब मिसकैरेज है तो कुछ भी समझ ले मैं शुक्राना पढ़ के जाती थी, और मैं कभी उसके बाद है ना, अभी तो मैं गायना को भी कंसल्ट करना छोड़ दी। तो यही है कि मैं उनको ये समझा रही थी, वो बहुत ज्यादा रो रहे थे जी, तो इसीलिए उन्होंने है ना मेरे को बोल रहे थे पूछो बोल के, तो इसलिए मैं आपसे बोलना ना, आप जो बोल रहे हैं ना उनको अच्छे से समझ में आएगा। मैं उनको बोल बोल के थक गई, उनको नहीं समझ में आ रहा था, इंशाल्लाह आपकी बात शायद असर करे जी। मैं एक और एक बात बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी डॉक्टर हूँ, जो इंसान को बेचैनी रहती ना कोई चीज हासिल करने में, इवन अगर वो बच्चे भी है, मतलब औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, औलाद चाहिए, बस अल्लाह ताला औलाद दे दे, मतलब वो एक ही कामना है, मतलब वो एक हो गई तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये हूँ वो हूँ ये हूँ बोल लेते, सब बोलते। जब जिस मोमेंट अगर औलाद आ जाती ना, उसके बाद कंप्लेंट्स अलग होते जी हाँ, अरे ये क्या तो भी बच्चा है, नहीं हो रही सतारा, वैसा सतारा, क्या परेशानी है। फिर इतना भी मुंह पे बोलते कि अरे ये नहीं रहने से तो, मतलब रहने से तो नहीं रहना बेटा था, ये परेशान कर रहा। फिर उसमें आएंगा कि बच्चे पढ़ लिए तो बस, फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई तो बस, वो ये वो प्रॉब्लम, इंसान की लिस्ट ना कभी एंड नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सुकून में हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे दिल में इतना सुकून और इतना वाकई में मैं तवक्कल करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह बेहतर जानता, और जो मेरे को अच्छे तरीके से जानते ना उन लोगों को पता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक बेशक, कोई शिकवा नहीं है अल्लाह ताला, कोई दुनिया की कोई खुशी या दुनिया का कोई चीज, इवन औलाद भी नहीं दे सकती जो अपने को सुकून जो अल्लाह ताला से मिलता। जी हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सवाल करना चाह रही हूँ, अपन जो ज़कात देते रिश्तेदारों में जी, हम जो ज़कात देते बोल कर देना है या खामोशी से भी दे सकते कि अपन दिल में मान लिए और देते से ही देना या है, बोल कर देना नहीं देना है, खामोशी से ही देना है। नहीं सामने वाले जी रिश्तेदारों में कोई करीब रिश्तेदार है, गरीब है, हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं जी, तो बोल के देना जरूरी नहीं, अगर उन्हें पूछे जकात है क्या बोले तो क्या जवाब देना?
नहीं, अगर कोई पूछ रहे मुंह खोल के पूछ रहे तो उसमें देने में बुराई नहीं है, लेकिन आप किसी को, कोई जरूरतमंद है रिश्तेदारों में जो मतलब ज़कात के जनरली जो रियल जरूरतमंद रहते हैं वो जनरली मुंह खोल के नहीं पूछते जनरली, तो ऐसे लोगों को ऐसे इस तरह देना चाहिए कि उन लोग को भी अपने से शर्मिंदगी नहीं होना, फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग कि आप पूरा गाँव में ढंडोरा नहीं पिटना कि मैं फलानों को ज़कात दे रहा हूँ, ये बस आप इस तरह दीजिए कि आप उनसे डायरेक्ट इवन फेस भी नहीं कर सकते कि उनको डायरेक्टली दे रहे, खाली उनको बस पहुंचा दीजिए, किसी को बोलना नहीं, किसी पहुंचा दी तो लोगों, जी लोगों में ये रहता कि रमजान में दिए तो ज़कात ही देते, तो हम रमजान के बाद भी दे सकते, मगर जब जरूरत है उनको जब भी पहुंचा दिए तो ठीक है ना, ज़कात तो साल भर दे सकते, मगर जब रमजान में देते तो लोग ये शक करते कि अब जैसा कि अब करीब फिर लॉकडाउन होने वाला है, चलो अनाज वगैरह पहुंचा देंगे उनको, ऐसा बोल के चाल करके पहुंचा, तो जैसे कि रमजान है ज़कात ज़कात ला के दे रहे हैं, फिर रमजान के बाद नहीं, लोगों में नहीं वैसा नहीं रहता, लेकिन वैसा समझना भी गलत है कि रमजान में सिर्फ ज़कात ही देते, कई लोग गिफ्ट्स देते, लाइक फॉर एग्जांपल आप माँ बाप है अपने बच्चों को ईदी नहीं देते, कोई रिश्तेदार है कोई भाई है अपने बहन को ईदी नहीं देते, आप ये मेरी तरफ से ईदी है या फिर ईद का तोहफा है बोल के दीजिए, बोल सकते हैं आप ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, मेरी कोशिश है बोल के, मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है, कई लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप बस पहुंचा दिए, अभी तो माशाल्लाह पूरे ऑनलाइन हो गया, या फिर आप कोई उनके जो करीबी लोग हैं उनको अगर पहुंचाने को बोल दिए, आप कुछ भी उनसे डायरेक्टली अगर कुछ नहीं बोले तो वो भी बेहतर रहता, और उससे भी बेहतर अमल ये रहेगा कि आप उनको कोई चीज दें और उनको मालूम भी नहीं हो कि वो आप दिए, ये दिस इज अ लेवल ऑफ आई मीन ये जो एटीट्यूड है जो मैं बोली कि रियाकारी और जो अपने इंटेंशन, ये बहुत हाईएस्ट लेवल है, ये अगर इंसान अगर पा लिया ना तो उसको जन्नत है, ये बहुत मुश्किल है, अल्लाह ताला हर इंसान को वो करे, क्योंकि हम सोचना शुरू करते कि नहीं अरे लोग समझेंगे हम ज़कात नहीं दिए, हम कुछ भी नहीं निकाले, किसको भी नहीं दिए, अरे उनको मालूम होना ना हम उनको हेल्प करें, तो सो दैट उन्हों अकल को हमारे को जरूरत है तो कुछ वो करना, हमारी मदद करना, कोई गरीब है कोई कपड़े सीने वाली है उसको ज़कात दिए, उसको बोल के देना, उसको जता के देना, कहीं तो कल उन मेरे को कपड़े सी के दी तो मतलब कुछ कम करना, जब भी मेरे को उसकी जरूरत है तो वो मेरे को काम आना, इन लोगों के इंटेंशन ऐसे रहते, हर इंसान के रहते, अल्लाह ताला माफ करे, मेरे भी आया होगा, मेरे भी दिल में क्या है रियाकारी अल्लाह ताला बेहतर जानता, अल्लाह ताला हर एक इंसान को अपने रियाकारी से बचाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है इस पे वर्क करना, मगर कोशिश करिए हर एक रमजान में हर साल एक अपनी एक नियत पे अपनी एक रियाकारी के एक आई मीन एक्शन से अपने को परहेज करने की कोशिश करिए, ओवरनाइट कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब रातों रात कोई इंसान से फरिश्ता नहीं बन सकता। जी जी बिल्कुल, और एक सवाल था मेरा कि अब ज़कात में कोई जो जरूरी जैसा दूध वाला है वो है, उनको तो ज़कात तो दे सकते ना, और एक सवाल मुसलमानों को दे सकते, मगर एज ए गरीब आप पैसे निकाल के नॉन मुस्लिम्स को दे सकते हैं, लेकिन ज़कात मुस्लिम्स को ही देने का है। ओके, और एक तरह के कोई गरीब लड़की की अनकरीब एक दो चार महीने में शादी होने वाली है, तो उनको ज़कात में अभी गोल्ड वगैरह कुछ दे सकते हैं, उनकी जरूरत की चीजें वगैरह? जी दे सकते, बेशक दे सकते, पहले भी दे सकते, और ज़कात में पहले एक साल का रहता, एक साल का रहता, अगर आप पैसे उठा के रख के बाद में, हाँ बाद में भी दे सकते या फिर अभी भी दे सकते। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, मेरी भांजी को थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है जी, वो रोजे रखते हैं, कभी कभार उसे डस्ट की वजह से ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्या उस हालत में इनहेलर यूज कर सकते हैं या रोजा? क्या उम्र है बच्ची की? 12। अस्थमा है क्या या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, एलर्जिक ब्रीदिंग है, मतलब डस्ट वगैरह से उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर जनरली जो अस्थमा पेशेंट्स है वो रोजा रहते जो, तो लोग जनरली इनहेलर इफ्तार और सहर के टाइम पे यूज करते, अगर वैसा यूज करने से उनको मतलब रिलीफ रहता या फिर नहीं रहता? यूज करते समय रिलीफ रहता है, रोजे की हालत में वो कभी कभार बेचैनी फील करे तो तभी, रोजे की हालत में यूज करने से क्या रोजा टूट जाता है?
नहीं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर्स बोलते हैं कि इनहेलर यूज कर सकते हैं अगर किसी को सांस इतना रुक गई कि लोग सांस नहीं ले सके या जान की बात आ गई तो ले सकते, बल्कि मतलब रोजा नहीं टूटता उसमें. लेकिन व्हाट आई एम टेलिंग इज जो लोग को क्रॉनिक अस्थमा है, जो क्रॉनिक पेशेंट्स है जिनको ये वेल एस्टेब्लिश प्रॉब्लम है, जो रोज इनहेलर्स लेते, दे यूजली व्हाट दे डू इज सहर के टाइम पे जब सहरन होता उससे पहले इनहेलर का पफ ले लेते और इफ्तार के टाइम पे पफ लेते. तो ऐसा करने से मैनेज हो सकता क्या, मैं पूछ रही हूँ. जी जी मैम, हो सकता है ऐसा. अगर वैसा कर सकते हैं तो वो बेहतर मतलब है जी. अगर लेकिन जी, फिर भी उसके लिए हाँ, लेने के बावजूद अगर दिन में उनको अटैक आया, वीज का प्रॉब्लम आया, ये आया, तो वो लोग ले सकते, उससे रोजा नहीं टूटता. इंशाल्लाह अगर कोई करेक्शन है तो कोई आलिमा कोई है मैडम, माजिदा मैडम करेक्ट कर सकते. आई थिंक अगर कोई भी हालत में इमरजेंसी है और आपको मतलब अटैक हुआ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, तो आप बीच में ले सकते. लेकिन आपको ऑप्शन है कि आप सिर्फ सुबह में ले सकते और इफ्तार में लेने से आपका अस्थमा अटैक अवॉइड हो सकता, देन दैट इज बेटर. जी जज़ाकअल्लाह खैर. अगर सेहत पे बात आ रही तो ले सकते हैं, जैसा साइंस से भी बोले ना जी, तो इंशाल्लाह रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, इंशाल्लाह जी. जज़ाकअल्लाह खैर मैम. जी जी बारकअल्लाह. और कोई क्वेश्चंस है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो पूरा इतना एक्सप्लेन किया माशाल्लाह. मैं अपना अल्फाज रोक नहीं पा रही हूँ सबन. अल्लाह आपके इल्म अमल में इजाफा करे माशाल्लाह. आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ कर रहे, हमारे अपनी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन से हमारे ईमान और अमल में इजाफा कराए. है ना, रूहानी तस्कीन मिल गई मैम. ऐसा लग रहा कि सारे जो भी स्ट्रेस जो भी था सब खत्म हो गया. कोविड वोविड कुछ भी नहीं, वैसे तो हमको तो डर रहा नहीं. नहीं, ये डॉक्टर समन नहीं दिख रहा मुझे, आलिमा समन दिख रहा है मुझे. अल्हम्दुलिल्लाह आसान करे जो भी है, तारीफ अल्लाह ताला के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह. एक्चुअली ये मतलब ये टॉपिक नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैं एक बात, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी डॉक्टर हूँ, एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ. जैसा एक क्वेश्चन आया था कि ब्लड दे सकते या नहीं दे सकते, इस्लाम में अलाउड है नहीं है रोजा और जो ब्लड रिलेटिव्स है, तो एक बात मतलब आई डू नॉट नो कितने लोग को इस चीज का प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. आफरीन ने बोला कि उन्हें मतलब ये इनफर्टिलिटी का इश्यू के बारे में, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग ये क्लियरली समझिए कि आपको तो ये मालूम है होगा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में डोनर्स लेना हराम है, सैरोगेट्स लेना हराम है. इन द सेम वे किसी को अपने पास बच्चे है बोल के आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ये बिजनेस हो गया, कर रहे नहीं नहीं अडॉप्ट नहीं होता, एम्ब्रियो अडॉप्शन इज अ डिफरेंट इश्यू. लेकिन पुराने शहर में स्पेशली ये चार मीनार एरिया में बारखस एरिया से कई लड़कियां, स्पेशली मुसलमान लड़कियां, क्योंकि मुसलमान जनरली बच्चियां थोड़ा आंख नाक अच्छे रहते हैं और थोड़ा लोग के बच्चे अच्छे नहीं रहते, उनके एक्स अच्छे रहते, तो 20,000 में एक्स डोनेट कर रहे. तो उन लोगों को ये बोला जा रहा कि जो एजेंट्स है कि आप जैसा खून किसी को दे के उनकी जान बचा सकते, आप आपका ये खून ही है जो आप आपके अंडे दे के किसी को बच्चा दे सकते, तो ऐसा बोल के उनको 20,000 रुपए दे के ये बिजनेस में ला रहे. इट्स अ ब्रोकरेज एंड इट्स अ ह्यूज बिजनेस. उसमें कई मुसलमान लड़कियां हैं और मुसलमानों का लड़कियों के एक्स बहुत डिमांड में है. ये जनरली ये जो ऐसी पब्लिक रहती जिसको एजुकेशन नहीं रहता, इस्लामिक एजुकेशन नहीं रहता, बेसिक दीन का एजुकेशन नहीं रहता, तो वो लोग ना ब्लड जैसा देते लेते वैसी एक्स भी दे दे सकते समझते. बस 2-3 इंजेक्शन रहते, फिर एक रिट्राइवल रहता, उसमें जैसा खून लेते वैसी एक्स ले लेते, बस आपको 20,000 देते, आप दूसरों की मदद कर रहे बोल के पैसे ले रहे. तो आई वॉन्ट टू क्लियरली टेल यू दैट विदाउट एनी डाउट के अपने एक्स देना खून देने के बराबर नहीं है. एक्स देना मतलब आपकी जीन्स है, वो आपका एक बच्चा है, वो कल को जाके किसी हिंदू के घर में भी रह सकता, आपका बच्चा आपकी औलाद किसी हिंदू के घर में पैदा होती, तो एक्स देना
is not equal to giving blood. I wanted to clarify on that. Mashallah, alhamdulillah, आप तो इतनी अच्छा इल्म है और साइंस है कि लोग को इतना मालूम है कि डोनर नहीं करना है, सरोगेसी नहीं करना है, एक डोनेशन नहीं लेना है, एक डोनेशन नहीं देना है, इतना तो इल्म है. लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है कि लोगों में जो जनरली जिसको इल्म नहीं है उनको बोल रहे कि ब्लड ये जैसा एक्स दे सकते. इवन मैम यहाँ पर मैं दुबई में रहती हूँ ना, मेरे जो डॉक्टर है जिसको मैं बताती थी वो हैदराबाद की है, तो वो है ना मुझे कई बार वो मुझे फोर्स कर चुकी है कि IVF यू कैन डू दैट, क्योंकि हस्बैंड से ही वो करते हैं घर के. लेकिन उसके लिए भी हमने मना कर दिया कि अल्लाह ताला जब देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा. तो उसमें क्या नहीं नहीं आफरीन, IVF इज नॉट लाइक सम रॉकेट साइंस और ये इसमें कुछ गलत नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको बुखार आया, आपको कोविड है, आप यही नहीं बोल सकते कि मेरे को बुखार आया नहीं, अल्लाह ताला ने दिया, मैं पैरासिटामोल नहीं लूंगी. मतलब पैरासिटामोल इज नथिंग हराम. अब जब तक हलाल उसमें है तो उसमें कोई गलत नहीं है. और वैसे भी IVF में अगर आप आपके सेल्फ गैमेट्स कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ भी गलत नहीं होता. लेकिन आपको इतना वो रहना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपके सेल्फ गैमेट्स कर रहा है, आपको भरोसा रहना चाहिए, लैब पे भरोसा रहना, डॉक्टर पे भरोसा रहना चाहिए. इसमें कोई चीज आपको हराम के उसमें नहीं आती. और ये भी देखना है कि जब आपके जो गैमेट्स है आपके आपके हस्बैंड के यूज करते हैं, उसके बाद जो बचे बुचे रहते वो डिस्कार्ड कर देना. They shouldn't reuse. कई लैब्स है जो माशाल्लाह आई थिंक दुबई में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह अगर वो इस्लामिक लैब है. इंडिया में कई जो नॉन मुस्लिम लैब्स है वहां पर डिस्कार्ड नहीं करते. सो इफ यू आर टेकिंग केयर दैट योर गैमेट्स आर यूज्ड, योर सेल्फ गैमेट्स आर यूज्ड एंड दे आर नॉट मिसयूज्ड लेटर ऑन एंड योर एक्स्ट्रा गैमेट्स और एम्ब्रियोस आर डिस्कार्डेड आफ्टर व्हाट यू हैव हैड. आपको अगर प्रेगनेंसी के लिए कोई एम्ब्रियो ट्रांसफर करे उसके बाद जो एक्स्ट्रा गैमेट्स है इधर आप आपके नाम पे उसको प्रिजर्व करना है, या फिर जो एक्स्ट्रा गैमेट्स है जनरली फेंक दो बोलते हैं. वो फेंक देने का जनरली लोग नहीं फेंकते हॉस्पिटल्स में, वो रीयूज करते, किसी और के लिए यूज कर लेते. तो वो सब आप अगर आप देख लेते हुए चले तो उसमें कोई हराम नहीं है. तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आज जो इनफर्टिलिटी है आने वाले 10-20 साल में हर चौथा इंसान IVF से पैदा होने वाला है, क्योंकि इनफर्टिलिटी इतना ज्यादा हो गई, इतने बीमारियां हैं, औरतों को इतने प्रॉब्लम्स है कि नेचुरली बच्चे पैदा करना रेयर हो जाएगा आने वाले दिनों में. तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ बैठ के मतलब कुछ नहीं करें. जो इस्लाम है, इस्लाम का तरीका है, इस्लाम के उससे बच्चे पैदा करना बहुत ही नेक चीज है. बच्चों की परवरिश करना, बच्चे मुसलमान अपने कौम को आगे बढ़ाना बहुत अच्छी चीज है. तो अपन लेकिन मुझे और मैं तब मेरे हस्बैंड को ऐसा महसूस हुआ कि वो मतलब कुदरत, अल्लाह की कुदरत में जो है ना, पता नहीं, दिल को तसल्ली नहीं मिल रही. इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अगर हम इस अल्लाह की मसलियत है उसमें राजी रहेंगे. जितने भी ना मैम मेरे मिसकैरेज हुए कभी भी मैं मेडिसिन से कंसीव नहीं की, हमेशा नेचुरली हुआ है. लेकिन वो मसलियत ऐसे हो जाते थे कि सडनली अबॉर्ट करना होता था. फिर मेरा ना HSG करवाने के बाद मेरा लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने से ओपन सर्जरी हुई है मेरी जी. उसके बाद भी है ना मैं फिर अभी मैं नहीं जाती गायनेक, छोड़ दिया मैं. नहीं, आप ये चीज में बेफिक्र रह सकते कि आप IVF गलत है और इसमें है. मतलब माशाल्लाह अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आपको इनफर्टिलिटी वैसा दिखता कि हराम है या है. लेकिन आप अगर दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट सुनेंगे तो आप और ताजुब करेंगे कि मतलब क्या क्या यूज हो रहा है उसमें, कैसा वो है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, मसलन इंसुलिन जो है इंजेक्शन, फर्स्ट टाइम जो इंसुलिन इंजेक्शन आते थे वो पोर्साइन डेरिवेटिव थे, सुअर से आते थे. सब लेते थे, मुसलमान लेते थे, सब लेते थे, क्योंकि जब अगर शुगर आया और अनकंट्रोलेबल है तो जनरली लोग मर जाते थे, हाथ पैर सड़ जाते या फिर किडनी खराब होते, आंख चले जाते, किडनी फेल हो जाते. लेकिन लेते थे, मजबूरी थी. मतलब लेकिन अब बोवाइन है, ह्यूमन आए, हैमस्टर है, बायोटेक्नोलॉजी के है, तो ऐसी हालत में पोर्साइन इज नॉट अलाउड और इट इज नॉट टेकन एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल. So, ऐसे और कई चीजें हैं और जो बहुत ट्रीटमेंट बहुत वो है और कई इंजेक्शन है, हार्मोनल इंजेक्शन जो गायनेकोलॉजिस्ट ऐसा लेफ्ट एंड राइट देते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे. वो इंजेक्शन जनरली मेनोपॉजल यूरिन से रहते हैं और ये मेनोपॉजल यूरिन जनरली चर्चेस में से जो सिस्टर्स रहते हैं ना, जो पोप के जो चर्चेस मोंटेसरीज रहते हैं वहां पे जो सिस्टर्स जो ओल्ड लेडीज रहते हैं जो मेनोपॉज अटेंड करते हैं उनका यूरिन कलेक्ट किया जाता.
और जनरली एक फार्मास्यूटिकल है, इसराइल का आइडिया था ये कि विल कलेक्ट यूरिन एंड टेक हार्मोन्स फ्रॉम दैट. तो लेकिन इतना यूरिन कहाँ से आएगा, कौन देगा यूरिन? अगर अब बोले कि ये बिजनेस के वो पॉइंट ऑफ व्यू है तो एवरीबडी विल डिमांड मनी, सो वेयर विल गेट गैलन्स ऑफ यूरिन विच इज फॉर फ्री. तो देन एक इजरायली था, उसका एक फ्रेंड था जो पोप था, तो उसने बोला कि अनाउंस कर दीजिए कि चर्चेस एंड हॉस्टल्स ये मॉन्टेसरीज में के पोप का ऑर्डर है फॉर रिचुअल, क्रिश्चियन रिचुअल, योर यूरिन शुड बी कलेक्टेड, यू कैनॉट डिस्कार्ड इट. तो वो यूरिन कलेक्ट किया गया, फिर उसमें से जो हॉर्मोनल इंजेक्शंस है जो जनरली प्रेगनेंसी लाने में जो देते हैं या प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए देते हैं, तो वो FSH follicular stimulating hormone बोलते हैं उसको, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत से recombinant आए हैं, लेकिन 90% ऑफ द पीपल यूज दिस ओनली यूरिन का ही. So everybody uses that. Not even जो 10 gynecologist है उसमें से 9 gynecologist को भी नहीं मालूम रहता कि जो इंजेक्शन वो लोग प्रिस्क्राइब करते वो कहाँ से आ रहा, क्या चीज है, डेरिवेशन कहाँ से है. जब तक इंसान की नीयत नहीं रहेंगे कि उसको मतलब अपने तवक्कुल, अपना ईमान और जो अपने आस पास जो चल रहा है सही गलत मालूम करना नहीं है, तो मालूम नहीं होता. कई लोगों को ये बात की इल्म भी नहीं रहती. सो देर आर मोर थिंग्स विच आर बैड. सो मतलब मेरे लास्ट 3-4 साल यही काम में है कि इस्लाम में वॉट इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, वॉट इज नॉट अलाउड. तो बहुत से हराम चीजें हो रहे हैं जो गलत है. तो मैं आपको इस मतलब विदाउट एनी डाउट, अगर आपको डाउट भी है मगर कुछ क्लैरिफिकेशन है, अगर आपको साइंटिफिक इस्लामिक वे में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है तो यू कैन कॉल मी एंड आस्क. जी करा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है आई कैन टेल यू. एंड सेकंड थिंग इज मे बी यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग एल्स. आपको आईवीएफ प्रॉब्लम नहीं है, जब आप कंसीव हो रहे हैं तो आईवीएफ इज नॉट योर आंसर, यू नीड टू वर्क आउट के व्हाट इज. मुझे थायराइड है मैम, लेकिन हमेशा नॉर्मल ही रहता है. लेकिन थायराइड से मिसकैरेज नहीं होना चाहिए. जी हाँ जी हाँ, अभी तक ना डॉक्टर ने बोला थायराइड इज नॉट अ प्रॉब्लम. यू हैव अ इशू कॉल्ड आरपीएल, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. जी मैं बस वो ना, उसके अलावा भी मैम एक और पर्सनल प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी. तो इस वजह से भी हम लोग है ना नहीं ये करते. और सबसे ज्यादा मैं जैसे बोल रही हूँ ना कि दिल में एक सुकून है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है. और है ना जब मैं उमरा के लिए गई थी तो सब बोल रहे थे कि उमरा के लिए जाएंगे आप दुआ करेंगे तो हो जाएगा करके. तो हर चीज के लिए दुआ मांगी, मैं इसके लिए भी दुआ मांगी, काबे शरीफ का गिलाफ पकड़ के दुआ 20 मिनट तक मेरे ऊपर लोग थे, मैं इतनी दुआ कर रही थी, गिड़गिड़ा के दुआ कर रही थी. तो उसके बाद भी नहीं हुआ, तो मैं जब मुझे यकीन हो गया कि अब तो अल्लाह की मसलियत है ही है इसमें करके, उसके बाद से मैं सोचना भी छोड़ दी. तो अभी ये ना जब ये IVF ये बोलते है ना, तो मेरे को और मेरे हस्बैंड को भी डर होता कि ऐसा नेचुरल नहीं समझ में आ रहा हम लोगों को. वो एक तरह से है ना मेडिकली हम जो है ना एक चीज को ऐसा डाल रहे, नेचुरल नहीं हो रहा जैसा समझ में आ रहा हम लोगों को, इसलिए हम लोग नहीं चाह रहे वैसे. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, अब आप किसी को हार्ट अटैक है या फिर उनके उनके वॉल्स ब्लॉक है, तो व्हाट डू दे डू, दे एक बाईपास सर्जरी बोल के बोलते हैं. तो बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, आपके पैर के हाथ के उधर इधर के रग काट के उसमें डालते हैं. मतलब देने में दिखने में बोलने में बहुत एब्सर्ड लगता है. पहले जमाने में तो एनिमल्स के बोवाइन के भी डालते थे, तो सुनने में बहुत ही मतलब वियर्ड है, बट दिस इज हाउ इट इज. मगर अंटिल इट इज विद इन द इस्लामिक लिमिट्स, हराम नहीं है हलाल है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग. क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि वी कैन नॉट अवॉइड इट. ये आपको या फिर मतलब कोई रेयर हजारों में एक प्रॉब्लम नहीं है, हर औरत फेस कर रही. आप यकीन नहीं करते, मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ वहाँ पे आस पड़ोस में एटलीस्ट एक 4-5 लोग तो निकलते हैं जिनको दुआ फेसिंग दिस प्रॉब्लम, एंड आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है. और स्पेशली दुबई में बहुत है मैम, ये दुबई नहीं हर जगह है, इंडिया दुबई एवरीवेयर इट इज देयर. सो हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन था मेरा जी, ये फर्टिलिटी के बारे में मालूम करना था.
एक लेडी है, उनको दो लड़कियां हैं, सिजेरियन है, अब उन्हों लड़का चाह रही हैं, तो अपने हस्बैंड का डला सकते, जैसे कि बॉय चाहिए उनको, कर सकते हैं सर जायज है अपने पास? What is I mean how can you get a girl or a female boy or a girl based on that? I mean there is no scientific evidence. देखिए लड़की या लड़का होना वो बस अल्लाह ताला के हाथ में, it's a genetic this thing, gametes ना, XY बोल के रहता male का DNA और female का DNA XX रहता, तो ये DNA गैमेट जब ब्रेक होते तो एक मेल के दो बनते हैं, एक X बनता है एक Y बनता है, तो मेल के गैमेट स्पर्म्स में जीन X हो सकते हैं या Y हो सकते हैं, फीमेल में दो XX ही होते हैं, तो जब एक फर्टिलाइजेशन होता है एक एग स्पर्म, तो उसमें देर आर फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट कैन हैपन, क्योंकि हस्बैंड का एक X गैमेट है एक Y गैमेट है, हस्बैंड की तरफ से X गैमेट आया और कैसा भी मदर की तरफ से एक्स एक्स ही है तो एक्स ही आएगा, तो लड़की भी पैदा हो सकती, आई मीन ऐसा नहीं, नहीं है कि कर रहे डेवलप कर रहे, नहीं लेके स्पर्म लेके डेवलप करके बॉय का ही जैसा जो भी रहता है एक्स वाई आई डोंट नो, मगर डेवलप करके फिर इंजेक्ट कर रहे लेडी में, तो जो आप बोल रहे हैं वो प्री जेनेटिक टेस्टिंग है, प्री जेनेटिक टेस्टिंग मतलब जो भी एक्स एंड स्पर्म्स है उनको मिला के एम्ब्रियोज बनाते, बनाने के बाद उनके ऊपर डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट होने के बाद उसमें उन लोग का सेक्स रिवील होता है, तो मेल है फीमेल है, जनरली ये कोई जो लोगों को बार बार एबॉर्शंस होते या जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते तो उनको क्या जो प्रेगनेंसी है, तो उसमें प्रॉब्लम जेनेटिक प्रॉब्लम है, एक बच्ची थोड़ा सा एबनॉर्मल भी है, तो उन्हों बहुत एक ही चांस है उनको अभी, तो ऐसा चाह रहे हैं कि बॉय हो गया तो ठीक है, एक बच्ची आपको थोड़ा कैसा मालूम कि बॉय को प्रॉब्लम नहीं रहेगा? हाँ हो सकता है, अल्लाह हाउ कैन यू टेल, एंड सेकंड थिंग इज लिसन टू माय थिंग कि आप ये जेनेटिक प्री जेनेटिक काउंसलिंग जो है ये अपार्ट फ्रॉम इंडिया यूएस में आप जब प्री जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिसमें आपको चाइल्ड का क्रोमोजोमल स्टेटस में आपको मालूम हो जाएगा कि वो मेल है फीमेल है, सेकेंड थिंग ये मालूम हो जाएगा कि क्रोमोजोम में कोई प्रॉब्लम है, थर्ड थिंग ये मालूम हो जाएगा उनको कोई जानलेवा बीमारियां हैं या फिर जो बीमारियां जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज की चीज जिससे अबॉर्शन होता वो सब मालूम होता, तो उसमें देख के छाट के जो भी स्क्रीन करके जो बेहतर है वो डालते, तो ये जो रिपोर्ट है ना जो अगर आप इंडिया है स्वीडन है लंदन है कहीं पे भी कराए तो पीजीएस इसमें आपको सेक्स ऑफ द चाइल्ड दे देंगे, लेकिन ये रिपोर्ट अगर इंडिया में आ रही तो उसमें से द क्रोमोसोमल स्टेटस एंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड ऑफ द एम्ब्रियो इज टेकन आउट, उसमें नहीं आएगा कि ये मेल है फीमेल है, आपको बस इतना देंगे कि ये नॉर्मल एम्ब्रियो है या एबनॉर्मल एम्ब्रियो है, सो आप ऐसे कुछ कराना चाह रहे आप इंडिया में देर इज नो चांस, क्योंकि इंडिया में ये अलाउड नहीं है, नहीं होता, अगर फिर भी कोई बोल रहे कि आपको करते या करते तो जनरली उनके एथिकल वैल्यूज बहुत लो है, बोले सर मतलब उन्हों आप एथिकली लो है, अगर वैसे तो ये अलाउड है मैम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब क्या मतलब पहले से जेंडर का टेस्ट करवा के फिर उसको डालना अगर... नहीं ये प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग जेंडर के लिए नहीं है, बहुत से लोग इसको मिसयूज कर रहे जेंडर मालूम करने के लिए, इसका रीजन जी उनके पास फैमिली प्रॉब्लम है और उनको एक ही चांस है, तो ऐसा कर सकते क्या आप? तो कहाँ करेंगे आजकल, मतलब बहुत सारे नहीं where will you do it which hospital which place yes, which doctor yes. will do it कौन सा डॉक्टर है जो करेगा? मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ आपको, मैं नहीं बोलना चाह रहे ना, हाँ तो मैं बोल रही हूँ वही बोल रही हूँ, नहीं आपको अगर कोई नहीं अगर आपको कोई डॉक्टर बोल रहा आप खंभ में है हैदराबाद में है जहाँ पे भी है कि जो बोल रहा कि आपको ऐसा मालूम करके देगा कि वो मेल है फीमेल है, देन आप ये लिख के रख लीजिए कि आप उसमें आपके गैमेट्स भी सही नहीं रहेंगे, शौहर बीवी का गैमेट भी नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, जो इंसान की एथिकल वैल्यू इतनी लो है कि जो इलीगल है वो कर रहा, तो आप उन पे भरोसा कैसा कर सकते हैं कि आप वो करेंगे? मैं भी स्कैन करती हूँ, नहीं फॉर एग्जाम्पल मैं टेल यू मैं भी स्कैन करती हूँ प्रेगनेंसी के,
किसी का और का भी डाल सकते बोलो, किसी और का भी यूज कर सकते बोलो, ऑब्वियसली कर सकते जो इंसान आपको है, कोई मौलाना मिले आपको बोल रहे कि आप शराब पी सकते हुए बोल रहे, तो आप उनके बयान को जाके क्या कर सकते? जो इंसान खुद अपने कैरेक्टर में सही नहीं है, गलत तिलावत दे रहा, आपको गलत बयान दे रहा, वो इंसान का अमल कैसे सही रहेगा? दिस इज इलीगल। मुस्लिम नहीं, इस्लामिकली नहीं, ये इवन नॉन मुस्लिम इंडियन मेडिकल लॉ से इट्स इलीगल। अगर कोई वैसा करेगा तो उनको जेल होगी। जो इंसान ये जेल और इलीगल चीजों से ही नहीं डरता तो इस्लाम के वैल्यूज तो बहुत लो रहेंगे उसके। आप अल्लाह पे भरोसा करके उम्मीद से अल्लाह से दुआ कर सकते। मेरे भाभी के वैसे ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग करवा चुके थे, फिर है ना लड़के की ख्वाहिशमंद थी वो भी, नहीं बोल के नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जस्ट उन्होंने वापस से पता नहीं एक सर्जरी करवा के माशाल्लाह प्रेग्नेंट हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं बस हमेशा जिक्र कुरान करते रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हुआ लड़का, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। रीकैनलाइजेशन सर्जरी है जिसमें ट्यूबेक्टमी को रिवर्स कर सकते जी, लेकिन जी, आप यू कैन नॉट सी। देखिए मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आप अगर बच्चे पैदा करना है तो हलाल तरीके से करिए, मतलब हराम तरीके से इलीगली जाके मतलब उसमें क्या फायदा है? अल्लाह ताला उसमें बरकत नहीं देगा। चाहना बेटा रहना ये एक इंसानी फितरत है, लेकिन उसके लिए अपन हुक एंड क्रुक में ऐसे वैसे हर तरीके से मैं हासिल करूंगी बोले तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो गया तो उसमें जो लोग जनरली आप देखिए कोई भी इनफर्टिलिटी डॉक्टर है, अगर आप उनके पास गए वो बोलते हैं कि आपका IVF का सक्सेस रेट 50% है, 50% यू विल नॉट हैव चाइल्ड बोले तो वो सही बोल रहे। अगर वो कोई डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं 100% हो जाएगा बच्चा आपको, बेटा नहीं बेटी ही हुई, बेटी नहीं बेटा ही हुएगा, ऐसा नहीं वैसा ही होगा बोले तो उन लोग कुछ तो कर रहे। देयर आर थिंग्स इन लाइफ, साइंस इतना वो नहीं हुई कि एवरीथिंग यू कैन हैव अ कंट्रोल ओवर। अगर आप हलाल तरीके से जाएंगे तो आप हर चीज पे अपने आप का कंट्रोल नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते। कभी भी कोई एक चीज याद रखिए, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं रहता। जो चीज फ्री आती ना जनरली उसमें कुछ तो भी कीड़े रहते जी, तो प्रॉब्लम रहता, डेट एक्सपायर तो होके रहता, प्रॉब्लम तो रहता, इसलिए फ्री देता उन्हें कोई जिंदगी अपना फायदा, फायदे के बिना कोई चीज नहीं देता। हाँ, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में भी बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन है, हलाल हराम में बहुत से रूलिंग्स है, तो वो पूरे देख समझ के अपन वो करना। आप ये आप सोच रहे बेटा आ गया तो अपनी जिंदगी बन जाती, मेरे ससुराल वालों के जो तकलीफात है वो कम हो जाते, ज्यादती कम हो जाती, मगर ऐसा ना हो कि आपकी दुनिया बनाने के चक्कर में आपकी आखिरत बर्बाद हो रही। वो एक डर से ही मैं खामोश हूँ। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हलाल तरीके से भी करने के ऑप्शन है, और थोड़े जगह है, थोड़े प्लेसेस है, वेरी फ्यू प्लेसेस, फ्रेंकली टेलिंग वेरी फ्यू प्लेसेस जो एक्चुअली हलाल तरीके से, इनफैक्ट बहुत कम, मतलब इवन एक या दो भी नहीं बोल सकते। और देर इज नो इस्लामिक हॉस्पिटल इनफर्टिलिटी सेंटर जो पूरा हलाल तरीके से करता और हलाल उसमें करता। क्यों बोलिए? क्योंकि जब आप पूरा हलाल तरीके से करेंगे, डोनर नहीं रखेंगे और मतलब एम्ब्रियो डोनेशन नहीं रखेंगे, सेल्फ गैमेट रखेंगे, तो उसमें फायदा कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट बहुत कम है। जी हाँ जी, ये कोई नहीं खोल रहे सेंटर यहाँ तो सारे है ना, है कंट्री नाम के तौर पे है ना देखा गया तो इस्लामिक बोलते, लेकिन कुछ नहीं है ना इस्लामिक तो यहाँ पर। जी एग्जैक्टली, क्योंकि फाइनली वो जो कॉर्पोरेट्स है उन लोग को जवाब देना पड़ता, उनको प्रॉफिट बताना पड़ता। और कोई सवाल है किसी के? और एक बात आफरीन मैं बोलना चाह रही हूँ, जो भी लोग हैं, जो लोग मतलब इट्स नॉट लाइक somebody once पर्सनल फीलिंग, ये पूरे दुनिया में है, इंडिया में तो और ज्यादा है, जो लोग मतलब बेटे और औलाद मतलब बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते या बेटा रहने की चाहत करते, आज जमाने में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बेटी में फर्क नहीं है आजकल, मतलब और
बेटियां और बेहतर वो हो रहे पढ़ाई में, दीन में, अमल में, अपने माँ बाप की खिदमत में। सो कभी आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी वो करते थे, मतलब कभी डोंट लुक डाउन अपॉन गर्ल्स। और बेटा बेटी से बेहतर है ये। अल्लाह ताला इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में बेटे नहीं बल्कि बेटियां रखी जी, मतलब हम लोग अल्लाह की मसलियत थी। और नहीं तो सारे बेटों के ही उससे हो जाते, उतना नहीं है तो भी इतना है। और आज इतना दुनिया इतनी तरक्की कर रही, इस्लाम भी फैल रहा, लेकिन कुछ लोग इस चीज में वहीं के वहीं पर। एग्जैक्टली जी, अर्शिया कुछ पूछ रहे अर्शिया? कोई सवाल है किसी के? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मैम, ये अब पीरियड्स होते ना मैम जी, वो एज वाइज अब मैरिज होने के बाद ब्लीडिंग कम होना वैसा कुछ रहता मैम? एज वाइज रहता पीरियड्स का भी नहीं कैसा, मतलब आप बोल रहे हैं कि पीरियड्स शादी के बाद थोड़ा कम ब्लीडिंग होता? हाँ, कम होता, बच्चे होने के बाद और कम होता। नहीं अभी भी बच्चे होने के बाद भी 9 days हुआ तो वो बीमारी के नीचे आता बोल रहे हैं। नहीं, देयर इज नो फिक्स्ड दिस थिंग, लेकिन इतना अलबत्ता है कि जनरली जो इनिशियल पीरियड्स होते हैं, जो बड़े होते, जो भी टेल इट मेनार, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहती। दीज आर एनोवुलेटरी साइकिल्स, जनरली महीने में एक बार हर औरत के पेट में एक निकलता। तो ये जनरली एग जब निकलता तो उसमें एक प्रोजेस्टेरोन और प्रोस्टाग्लैंडिंस बोल के जो हॉर्मोन्स रहते वो निकलते, वो जनरली ब्लीडिंग को थोड़ा कंट्रोल करते। तो जब ये एग नहीं निकलता तो एनोवुलेटरी साइकिल्स जो बोलते हैं, जो जनरली पीसीओडी में होता या फिर कुछ दूसरे बीमारियों में होते, एनोवुलेटरी साइकिल्स जनरली थोड़ा ब्लीड ज्यादा करते। और नॉर्मल जो लड़कियां रहते, जो टीनेज के जो ब्लीड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रहते, एनोवुलेटरी रहते, वो नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। तो स्टार्टिंग जो रहते फर्स्ट साइकिल्स कोई भी लड़की के जो स्कूल में होते वो जनरली हैवी रहते। और फिर बाद में जब वो शादी के बाद या फिर अपने 20s-30s में ओवुलेटरी होना शुरू होते तो उसमें जनरली ब्लीडिंग 3 days तक होती। तो दैट इज नॉर्मल, 3 days-5 days इज ऑल्सो नॉर्मल। So and initially starting में 8 days होना, 9 days होना, this is also normal, थोड़े लोगों को होता। लेकिन मतलब even 30 years of age में 3 days हो रहा ये normal है, 9 days हो रहा ये abnormal, ऐसा नहीं है। 9 भी normal हो सकता, 3 भी abnormal हो सकता, मगर उसके साथ आपको कुछ और तकलीफ है, पेट में दर्द है या फिर पेट वाइट कपड़ा हो रहा या फिर बार बार ब्लीडिंग हो रही, महीने में 2 times हो रहे, तो मे बी दैट कुड बी बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग इलनेस, एक बार एवेल्युएट कराना पड़ता। मगर एक्चुअली जनरली इनिशियली बहुत हेवी रहते टीनेज में, जाते जाते कम होती वो ब्लीडिंग। और फिर 40s में जनरली ये एक एज है जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते। तो ये ऐसा एज है जब बच्चे हो जाते, बच्चे मे बी 10th standard, 9th standard में रहते, ऐसे टाइम पे जनरली पोस्ट प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसीज के 10 साल के बाद यूट्रस स्टार्ट्स टू डेवलप सम इलनेसेस लाइक एडिनोमायोसिस है, फाइब्रॉइड है, गड्ढे है, ऐसे प्रॉब्लम्स रहते। तो ऐसे टाइम पे हैवी ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये हार्मोनल इश्यूज है, तो ये जनरली होते। तो कोई भी जो ब्लीडिंग या कोई भी पेट में दर्द या कोई भी तकलीफ जो आपके रोजमर्रा जिंदगी से आपको डिस्ट्रैक्ट करी, मतलब आपको पेट में दर्द इतना ज्यादा है कि आप खाना नहीं पका सक रहे, कुछ काम नहीं कर सक रहे, या फिर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा है कि आपके 5 days या 10 days या फिर 7-8 days से ज्यादा आपके नमाज पूरे वो हो जा रहे, मिस हो जा रहे, तो वैसे टाइम पे एक बार डॉक्टर को बता लेना बेहतर है। नहीं मैम, अब पीरियड स्टार्ट होते ना, अब फर्स्ट 2 days रहता ब्लीडिंग, उसके बाद 1-2 days रुक जाता, फिर स्टार्ट होता, वैसा है तो कुछ प्रॉब्लम है ना? अगर आपको वैसा कितने दिन होता टोटल? वैसा 6 days-7 days हो रहा वैसा।
हाँ 7 days हो रहा तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन 7 days से ज्यादा हो रहा, महीना भर वैसा हो रहा तो वो है, कुछ प्रॉब्लम है. 7 days में कोई वो नहीं है. 7 days में आपको पहले 2 दिन कम होना या फिर स्टार्टिंग ज्यादा होके फिर कम होके ज्यादा होना, ऐसा कुछ भी हो सकता. कभी कभी पैटर्न, कभी कभी क्या होता, अंदर ब्लड कलेक्ट होके रहता हम लोग, कभी कोई काम करे या ब्लीडिंग होती है, नहा लेते सुबह जाता, लेकिन चौथे दिन हम अगर कुछ हैवी चीज उठाए करे तो फिर एक बार दिखता धब्बा. तो दैट इज ऑल कलेक्टेड ब्लड इन द यूट्रस और इन द फॉर्निसेस, वो जो बाहर निकलता, तो ये कोई बीमारी नहीं है. फिर वैसे टाइम में फिर अभी 2 days रुक के, फिर 2 days ब्लीडिंग होके रुक के फिर पानी नहा ले सकते हैं मैम? नहीं कर ले. नहीं नहा ले सकते. अगर आपको खाली धब्बा दिखा तो आप मतलब इट्स नॉट मतलब मेंस्ट्रुएशन के लिए उसमें नहीं आता. जनरली हदीस में ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि ब्लड अगर ब्राइट रेड है तो उसका मतलब कि वो अंदर से नहीं है, वो मेंसेस नहीं है. अगर डार्क ब्राउनिश या फिर डार्क रेड है तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड है. तो ब्राइट रेड है अगर तो नमाज पढ़ ले सकते, डार्क रेड है तो नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ है. लेकिन आजकल जो बीमारियां हैं वो डू नॉट उनका रूल्स ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे फिक्स्ड उससे नहीं आते, कलर से या फिर टाइमिंग से. आपका फिक्स टाइमिंग रहना, आपको हमेशा अगर 5 दिन ब्लीडिंग होती तो 5 दिन तक आप रोकना, अगर ब्लीडिंग हो या नहीं हो, धब्बा दिख रहा तो 5 दिन के बाद नहा लीजिए. और हमेशा 3 दिन होती, इत्तेफाकन इस दिन किसी दिन अगर आपको धब्बा दिखा तो बीच में 1 दिन के लिए या फिर एक बार धब्बा दिखा तो आप खाली मतलब वजू कर लेके भी नमाज पढ़ सकते हैं. वो आपको बीमार नहीं आता, नॉर इट विल नॉट कम अंडर पीरियड्स आल्सो. शुक्रिया मैम. जरा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम फातिमा है मैडम. जी जी बोलिए. मेरी बेटी 18 साल की है मैडम. उन्होंने सही नहीं होते महीने में, सही 7-8-5 महीने तक नहीं होते कभी, फिर ऐसे ऐसी छोड़ रहे उन्होंने पहले से भी. अच्छा, मतलब बड़े कब हुए? 5 महीने हो रहे उन्होंने. 13 साल में हुए. अच्छा, वे मतलब दुबले पतले रहते या मोटे रहते, कैसे रहते हैं? थोड़ा मोटे, सब नॉर्मल है, तो मोटे भी नहीं है, नॉर्मल है. अच्छा, हाइट वो अच्छी है? है, अच्छी है. प्रैक्टिकली एक्चुअली एक बार देखना पड़ता, लेकिन क्योंकि कोविड है मैं तो आपको वो कर रही हूँ. तो मे बी कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड सही नहीं आते, पीसीओडी की वजह से पीरियड सही नहीं आते. तो आप एक बार उनको मेरे को बात करो बोल के बोलिए, उनके प्रॉब्लम के हिसाब से अगर 5-6 महीने अगर पीरियड नहीं आ रहे तो ये उसका इलाज कराना जरूरी है. हर औरत को ऐसा नहीं सोचना कह रहे पीरियड्स नहीं आ रहे तो मेरे को महीने को महीना परेशानी नहीं है, चलो खामोश बैठेंगे. नेवर थिंक लाइक दैट. इंसान की, औरत की ऐसी फितरत है, अल्लाह ताला यूट्रस ऐसा बनाया है कि वो हर महीने यूट्रस की वो लेयर बनती और हर महीने वो शेड होती, और वो शेड होने में ही शिफा है. सो आप मतलब हम लोग ये नहीं सोचना कि नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, बल्कि अगर ऐसी छोड़ दिए तो आप जानलेवा बीमारियां हो सकते. सो बेटर है आप एक बार बता लीजिए और महीने को महीना पीरियड्स हुए जैसा दवा देते. अगर खुद से नहीं हो रहे तो दवा देते, 2-3 महीने दवा लेने के बाद जनरली वो ऑटोमेटिकली सही हो जाते. और उनके पैरों को ऐसा फोड़े हुए होते थे मैडम, इसलिए हुए होते क्या फिर? नहीं 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 नहीं, उसको फोड़ों को उसको कुछ भी कनेक्शन नहीं रहता, कोई दूसरी बीमारी की वजह से भी नहीं होता. ये खाली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो जनरली थोड़े लोगों को इनिशियल टीनेज में ये उम्र में रहता, तो उसको आप करेक्ट करा लीजिए तो 2-3 महीने दवा लेने से ठीक हो जाता है इंशाल्लाह, कुछ परेशानी की बात नहीं रहना चाहिए. जी अच्छा मैडम, शुक्रिया मैडम जी. आप हॉस्पिटल बता सकते हैं मैडम? आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, कोविड है ना, मैं आपको फोन पे ही दवाएं भेज देती. आप मेरा नंबर ले लीजिए किसी से, आफरीन से या फिर किसी से ले लीजिए, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दवाइयां भेज देती हूँ इंशाल्लाह. जी मैडम, शुक्रिया मैडम जी. एक बार 5 महीने में होते, एक बार कभी कभी 4 हो जाते, 2 हो जाते, ऐसा हो जाते मैडम? हाँ नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं बात करके उनको, मैं उनको दवाएं लिख के भेजती हूँ इंशाल्लाह. अच्छा मैडम, शुक्रिया मैडम. मैम जी, ये अब डिलीवरी होती ना मैम जी, थोड़े लोग को अब डिलीवरी होने के बाद 40 days के बाद अब ब्लीडिंग होके फिर नॉर्मल होने मंथली पीरियड स्टार्ट हो जाते ना,
थोड़ा उनको 1 ईयर तक नहीं होता ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता मैडम सर है तो नहीं नहीं नॉर्मल है 1 ईयर तक भी बहुत लोगों को नहीं होते 1.5 ईयर तक भी नहीं होते क्योंकि आपके दूध के पिलाने पे रहता अगर आप अच्छी तरीके से दूध पिला रहे बच्चा रोज रात में 1-2 बार तो भी दूध पी रहा आप नींद में से उठ के दूध पिला रहे और दिन के टाइम पे भी अच्छा पिला रहे 6 महीने आपके दूध पे ही था और उसके बाद भी आप खाना खिलाने के बावजूद अपना दूध पिला रहे तो जनरली पीरियड्स वापस नहीं आते ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है अल्लाह ताला की तरफ से एक जरिया है अल्लाह ताला को भी मालूम कि अभी बच्चा छोटा है एक माँ फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो जब तक एक माँ अपने बच्चे को सही दूध पिलाती तो एक माइंड से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता ये एक सिग्नल है बॉडी को वो जाके ओवरीज को सिग्नल देता कि नहीं अभी बच्चा छोटा है दूध पीता बच्चा है तो और एक बच्चा पैदा करने की मतलब कैपेसिटी नहीं है माँ में फिजिकली भी उतना स्ट्रांग नहीं है और मतलब दूसरे उससे नहीं है तो क्या करती बॉडी अपनी ओवरीज क्या करते वो रेस्टिंग फेज में चले जाते तो ओविलेशन नहीं होता हर महीने अंडा नहीं निकलता तो ऐसे हालात में अगर आप आपके शौहर के साथ रहेंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरेंगी तो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है अल्लाह ताला की तरफ से और अपने हदीस में भी है कि 2 साल 2.5 ईयर्स तक दूध पिलाना बोल के लड़की लड़का मतलब गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड का डिफरेंट है तो 2.5 ईयर्स और इवन मेडिकली भी हम लोग बोलते हैं कि एक प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी में मिनिमल 2.5 ईयर्स का गैप रहना चाहिए ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक वो है कि प्रेगनेंसी नहीं होने का वो है तो नॉर्मल है 1 ईयर तक कभी नहीं होता थोड़े लोग क्या करते मतलब दूध ज्यादा नहीं आ रहा बोल के दूध के साथ टॉप फीड स्टार्ट करते या फिर ज्यादा नहीं पिलाते खाना जब स्टार्ट कर देते तो ब्रेस्ट फीड स्टॉप कर देते या फिर कम पिलाते रात में जो उठ के पिलाते ना उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहता रात में नींद में से जो उठ के पिलाते तो वैसे टाइम पे लोगों को पीरियड स्टार्ट हो जाते तो हर एक का अलग अलग रहता तो 1-1.5 ईयर तक भी पीरियड नहीं आना इट्स परफेक्टली नॉर्मल नथिंग टू बी वरीड अबाउट दैट मैम जी मंथ मंथ खुद ही पढ़ते मंसूर सुन रहा है क्या वजह से मैम जी इरम आपकी आवाज कट गई फिर से बोलिए दिन बढ़ जाता मैम यानी 3 डेज हो जाता 4 डेज हो जाता नहीं 9 डेज भी हो जाता फिर से मेंसेस हो जाता क्या हो जाता मैम आपकी आवाज बहुत कट रही किसी को समझ में आया क्या 9 डेज बोल रहे हैं डेज बढ़ जाते पीरियड्स कभी 4 दिन बढ़ जाते कभी 9 डेज बढ़ जाते बोल रहे कुछ प्रॉब्लम है क्या कुछ मतलब ब्लीडिंग के डेज बोल रहे ना उन्होंने जी हाँ पीरियड्स हाँ नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता मतलब ब्लीडिंग आपको 3 दिन से लेके 8 दिन या 10 दिन तक हो सकती मगर उसमें इतना ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होना कि आपको अच्छा आप बोल रहे हैं कि इररेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं ओके तो मोस्टली अगर आपको जब तक के पीरियड्स 40 डेज से ज्यादा नहीं बढ़ रहे तो नॉट ए प्रॉब्लम एंड सेकेंड थिंग इज आपको मतलब बिल्कुल नहीं आ रहे तो देन आपको बताना पड़ता लेकिन आपको अगर 40 डेज के अंदर आ रहे एक 5 से 10 दिन ऊपर हो रहे तो नो प्रॉब्लम नहीं है कई औरतों को ऐसा होता सबको परफेक्टली ऐसा 30 दिन बोले तो 30 दिन को ऐसा डॉट पे नहीं आते सबको नहीं 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 होता वो नॉर्मल है आप मतलब कभी कभी क्या होता बोले तो सबके बॉडी ऐसा परफेक्ट नहीं रहते ऐसा ये डेट पे आना बोले तो लास्ट महीने 4 तारीख को आई बोले तो ये महीने को भी 4 तारीख को आना किसको भी नहीं होता वैसा सौ में एक दोनों को होता तो ये परफेक्टली नॉर्मल बच्चा ख्वाहिश करने वाले क्या हो जाता मैम बच्चा होता है कि टिग्गा है कि को ऐसा हो जाता मैम मेरी बहन को भी ऐसा हुआ ये मंथ तक उनको भी 40 डेज 41 डेज में हुआ अब उनका शोहर को क्या होता टिग्गा है कि को ऐसा आ जाता मैम बोले तो 10-15 दिन बढ़े तो प्रेगनेंसी ठहरती बोल के श्योरिटी नहीं आपको अगर वैसा बड़ा बोल के समझ में आया डाउट है पीरियड नहीं आ रहा है तो आप यूपीटी प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करेंगे वो पॉजिटिव नहीं आता हाल ही दिन बढ़ने से अपन नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी ठहरी होगा बोल के क्योंकि आजकल पीसीओडी का प्रॉब्लम इतना कॉमन है पीसीओडी में प्रॉब्लम क्या है लोगों को 5-5 महीने भी नहीं रहते तो क्या समझ लेना कि 5 महीने की प्रेगनेंसी है नहीं ना
तो जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे उसमें पॉजिटिव नहीं आता तब तक अपन नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी है. पीरियड बढ़ना ये कोई श्योर शॉट नहीं है कि उसे प्रेगनेंसी है. जी मैम जी जी ज्यादा कलम और कोई क्वेश्चन. माशाल्लाह बहुत टाइम ले लिया हमने समन का. माशाल्लाह वही मैं इसलिए नमाज का भी वक्त हो रहा है. जी आप लोगों को भी इफ्तारी की तैयारी करना है होगा ना. सॉरी अल्लाह बारक अल्लाह फीक समन अल्लाह आपके जजाक अल्लाह खैर आमीन जी शुक्रिया अल्लाह हाफिज जजाक अल्लाह खैर मैम. जी जी बहुत कीमती जो सो मालूमात हुए और इंशाल्लाह उस पर अमल करने की जरूर कोशिश करेंगे. अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दिया और सही सुकून जो समन बताए ना वो नसीब हो. जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन आमीन जज़ाकअल्लाह खैर. बहुत अच्छा था मैम सेशन तो बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के सबकी देखिए आवाज में तवानाई आ गई माशाल्लाह से. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है. चलिए तो फिर मीटिंग एंड करते हैं. जी 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 सुभानकल्लाहुम्मा. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حافظ. الله حافظ.